अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम डेटाबेस शुरू करने वाले थे, लेकिन हम थ्योरी हमने पढ़ ली थी अच्छी खासी। इसको ज़रा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। वेरी क्विकली हमने 5 प्रिंसिपल्स पढ़े थे लास्ट REST API के, तो कोई मुझे जल्दी से गिनवा सकता है वो 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? कुछ याद है? हाँ, एक स्टेटलेस था, एक यूनिफॉर्म इंटरफेस, दूसरा और क्लाइंट सर्वर, तीसरा कैशेबल, चौथा एक आखिरी रह गया बस, लेयर्ड सिस्टम। सही है, ये 5 थे। एक छठा भी था वो ऑप्शनल, जो वैसे मेन जो है ना, जो कोडिंग में आपको सबसे ज्यादा जिस किसका ख्याल रखना है, नंबर 1 स्टेटलेस, नंबर 2 यूनिफॉर्म इंटरफेस, इन दोनों का तो कोडिंग से ही ताल्लुक है आपके। आपने कोडिंग में जहाँ गलती की तो बस ये फिर गया। सही है, तो ये 2 तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यूनिफॉर्म इंटरफेस और स्टेटलेस। अच्छा, तो हम ये कल हमने एक कॉपी बना ली थी इसी वाले टू डू की जो हम लास्ट कर रहे थे, उसी के कॉपी बना के मैंने जैसे का नाम चेंज कर दिया था। और इसमें देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया हुआ है। ऑलरेडी एक इसके अंदर HTML की फाइल है, और इस HTML की फाइल में एक अंदर यहाँ पे फॉर्म मौजूद है मेरे पास, ठीक है। उस फॉर्म में मैं कुछ भी लिखता हूँ और ये सबमिट का बटन प्रेस करता हूँ, तो सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाती है। टू डू असल में ये एक ऐप है जिसमें टू डू ऐड होता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक मेरे पास बटन है जिस पे लिखा हुआ है गेट ऑल टू डूज। जब इस बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो मैं सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ, मुझे सारी टू डू वापस चाहिए, ठीक है। तो एक पोस्ट टू डू है और एक गेट टू डू है, मेरे पास 2 फंक्शंस हैं। एक मेरे पास डिव है जिसको मैंने कहा हुआ है कि रिजल्ट है, जो भी कुछ डिस्प्ले करवाऊंगा मैं वो इस डिव के अंदर डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नीचे मेरे पास जाहिर है 2 फॉर्म है, तो दोनों के फंक्शंस हैं। पहले में लिखा हुआ है पोस्ट टू डू, दूसरे में लिखा हुआ है गेट ऑल टू डूज, ठीक है। इन दोनों का जरा देख लेते हैं क्या है ये। दोनों के अंदर सेम काम हो रहा है, एक्चुअली इंटरनेट पे एक रिक्वेस्ट लग रही है। तो जो पोस्ट टू डू है, ऑफकोर्स टू डू को पोस्ट करने के लिए मुझे पहले उसको उठाना पड़ता है टेक्स्ट की वैल्यू में से, सही है। उसको उठा के मैं एक वेरिएबल में रखता हूँ, और उसके बाद मैं लोकल होस्ट 3000 पे, जिस पे मेरा सर्वर मेरी मशीन में रन हो रहा है, उस पे मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ स्लैश टू डू की, और ये होती है रिक्वेस्ट पोस्ट की, और साथ में इसके एक बॉडी भेजता हूँ मैं, ठीक है। बॉडी के अंदर मैं एक खास अंदाज से जेसन लिख के भेजता हूँ, जिस तरह से लिख के भेजता हूँ उसी तरह से मुझे सर्वर पे रिसीव होता है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि भाई इंटरनेट पे रिक्वेस्ट लगाओ, और देन और कैच लगाया। देन कब चलेगा? जब ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, जब इसका रिस्पॉन्स आएगा तो देन चलेगा, कोई भी एरर होगा तो कैच चलेगा। तो मैंने कहा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स जब आए तो क्या करो, आप क्वेरी सेलेक्टर से रिजल्ट का डिव उठाओ, उसको खाली कर दो, और खाली करने के बाद क्या करो, रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आया है, असल में इसका रिस्पॉन्स हम क्या भेजते थे, जब एक टू डू ऐड किया जाता है तो वहां से पूरा का पूरा एरे रिटर्न करता था मैं अपडेटेड। तो रिस्पॉन्स के अंदर उसमें क्या बोला मैंने कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा पे मैप चलाओ, और ईच टू डू को क्या करवा दो आप, रिजल्ट के डिव में ऐसे असेंबल करके दिखा दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पोस्ट टू डू। अच्छा, फिर हमारे पास गेट टू डू है। गेट टू डू में हम एक API कॉल करते हैं जो कि हमारे सर्वर पे मौजूद तमाम टू डूज हमें रिटर्न कर देता है। तो इसमें भी देन है और कैच है। देन जब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आने पर देन चलता है, और कैच पे अभी फिलहाल मैंने कुछ करवाया नहीं है। मैं ये कर सकता था कि कैच में भी क्या करता, डिव में लाल कलर का एक मैसेज एरर का दिखा देता, इस तरह की कोई चीज़ कर सकता था, लेकिन वो मैंने किया नहीं है। तो देन पे मैंने क्या बोला कि भाई रिजल्ट वाले डिव उठाओ, सही है, उसको खाली करो, और उसके बाद क्या करो, जो भी ऑल टू डूज आए हैं इंटरनेट से हमारे पास, उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दो रिजल्ट वाले डिव के अंदर, एक एक करके उसको रखते जाओ, और उसमें BR लगा रहा हूँ ताकि हर टू डू एक न्यू लाइन में डिस्प्ले हो। तो ये प्रिटी मच सब लोग ये कर भी चुके हैं, और कोई इतनी मुश्किल चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि अभी इसके अंदर है। तो अच्छा, ये हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, ये वही रहेगा, ये क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये तो सर्वर पे सही टू डू लेके जा रहा है और वापस भी ला रहा है, ये तो चेंज नहीं होगा ना, फ्रंट एंड हमारा सेम रहेगा। अब सर्वर जो है ना हमारा, उस पर आ जाते हैं। ये हमारा सर्वर है, सर्वर पे सर्वर को भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक्सप्रेस की लाइब्रेरी लगाई हुई है हमने, जो कि फ्रेमवर्क है एक सर्वर बनाने के काम आता है।
कॉर्स की लाइब्रेरी लगाई हुई है। कॉर्स की लाइब्रेरी क्या करती है, गूगल क्रोम का एक सिक्योरिटी फीचर है, क्रॉस ऑरिजिन चेक लगाता है वो, कि सर्वर से पहले पूछता है कि हाँ भाई आपको रिक्वेस्ट भेज दूं मैं, तो वो सारे काम ये कॉर्स कर रहा होता है, हमें नहीं करने पड़ता है। अगर हम ये लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करते तो वो हमें हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। एक्सप्रेस की ऐप को इनिशियलाइज किया और मैंने कहा कि भाई पोर्ट कौन सी पोर्ट पे ये सर्वर रन होगा, अगर तो क्लाउड के एनवायरनमेंट में तो क्लाउड हमें बताएगा कि कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है, अदरवाइज लोकल होस्ट 3000 पे ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक टू डू का वेरिएबल बनाया, दिस वेरिएबल इज नॉट रिकमेंडेड, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, इसको हमने रिप्लेस करना है डेटाबेस से। उसके बाद ऐप डॉट यूज है एक्सप्रेस डॉट जेसन, एक्सप्रेस डॉट जेसन क्या करता है, बॉडी को पार्स करता है, सही है, हर रिक्वेस्ट में जो पोस्ट की जितनी रिक्वेस्ट आएगी, पुट की, डिलीट की रिक्वेस्ट, उसमें बॉडी हो सकती है ना पॉसिबली, तो उस बॉडी को ये पार्स करता है, ठीक है। अगर ये नहीं लगाऊंगा मैं तो बॉडी फिर मुझे नहीं मिलेगी, इसकी वजह से मुझे बॉडी मिलती है, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट डिस्कस किया था, तारों में जो डेटा ट्रैवल करता है वो बाइनरी की फॉर्म में करता है, तो यहाँ जब पहुँचता है तो उसको वापस आपको जेसन की फॉर्म में लाने के लिए ये पहले से लिखा हुआ लाइब्रेरी, इसके अंदर क्या हो रहा है हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें करके दे रहा है बस। अच्छा, कॉर्स जो ऊपर मैंने इंक्लूड किया था अपनी फाइल में, उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। ऐप डॉट यूज़, ऐप डॉट यूज़, ऐप डॉट यूज़ क्या होता है कि हर रिक्वेस्ट पे ये हिट होता हुआ आएगा, यानी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी ना, एक्सप्रेस का जो सर्वर है वो पाइपलाइन मैकेनिज्म पे चलता है, रिक्वेस्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, तो ऐप डॉट यूज़ इससे होके गुजरेगी, इससे होके गुजरेगी, इससे भी होके गुजरती, लेकिन ये इस पर ना मैच करेगा वो, अगर पोस्ट होगी रिक्वेस्ट और स्लैश टू डू की रिक्वेस्ट होगी तो इस पर हिट होगा, वरना क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा, इसको आगे चला जाएगा स्किप करके, ठीक है। ऐप डॉट यूज ऑन अदर एंड ना, ये नहीं देखता कि कौन से टाइप है कौन सा क्या, वो बस इस पर हिट होके जाता है, इससे गुजर के जाता है वो, सही है। अच्छा, तो अब ऐप डॉट पोस्ट है, ऐप डॉट पोस्ट सिंपल क्या करता है, इस वेरिएबल में पुश कर देता है जो भी कुछ आया है, और पूरा का पूरा वेरिएबल दोबारा से वापस भेज देता है कि ठीक है भाई अभी ये आपका अपडेटेड है। और गेट टू डूज क्या करता है, सिंपल वो वेरिएबल पूरा भेज देता है, कोई भी चेंजेस नहीं करता है, ठीक है। बाकी ये वाटर पिज़्ज़ा वीज़ा ये सब हटा देते हैं, ये सब हमने हेलो वर्ल्ड के तौर पर बनाया था, ठीक है, ये APIs वगैरह की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तो हमने समझने के लिए किया था, ठीक है। सर्वर ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट दिस, ठीक है। जो सर्वर हमारी होती है वो क्या होती है असल में, वो हमारी ऐप होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है सर्वर, जो हम क्लाउड में कहीं पे भी रन कर रहे होते हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओके अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे डेटाबेस ऐड करने के लिए, हम MongoDB यूज़ करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है लास्ट हमने डिस्कस किया था, तो हमें एक अदर लाइब्रेरी चाहिए इस डेटाबेस के लिए, ठीक है। तो MongoDB की एक अपने भी लाइब्रेरी है, MongoDB NPM maybe, सही है, ये MongoDB की ना अपनी लाइब्रेरी है, इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, NPM I MongoDB, और ये इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी बहुत गाइड है इसकी, क्विक स्टार्ट, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे करके रिक्वायर होगा, अच्छा इन्होंने पुराना सिंटेक्स लिखा हुआ है, हम लिखेंगे ये नया वाला, ठीक है, नया भी लिखा हुआ है स्लैश वो मार के ना, कॉमेंट मार के, ठीक है। इस तरह से हमें एक URL चाहिए होगा MongoDB का, ठीक है, उसके बाद न्यू क्लाइंट कर दूंगा मैं, बस आगे करके वो कनेक्ट होगा डेटाबेस, फिर वो चलता रहेगा .then. लेकिन ये वाली लाइब्रेरी ना हम यूज़ नहीं करेंगे, सही है। हमारे पास एक और लाइब्रेरी है जो कि MongoDB वालों ने खुद नहीं बनाई, किसी और ने बनाई है, थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो वो लाइब्रेरी लेकिन ज़्यादा बेहतर है, मोंगोस, ठीक है, हम मोंगोस यूज़ करेंगे, ये जो लाइब्रेरी है ज़्यादा बेहतर है वेब डेवलपमेंट में ख़ास तौर पे, और जहाँ पे बिग डेटा वगैरह का कोई मतलब अभी हम हैंडल नहीं करने लगे ना, तो यहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर है। मोंगोस हमें क्या देता है, देखो इन्होंने लिखा हुआ है, मोंगोस इज़ अ MongoDB ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल डिज़ाइन टू वर्क इन एसिंक्रोनस एनवायरनमेंट, मोंगोस सपोर्ट बोथ प्रोमिसेज एंड कॉलबैक्स। तो एक तो ये लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सिंटैक्स सपोर्ट करता है, जब शुरू में जब MongoDB आया था ना, तो उसकी अपनी एक तो लाइब्रेरी इतनी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ही बेकार थी, वाहियात थी, अब उनकी लाइब्रेरी ना काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन स्टिल मार्केट कैप्चर ये कर चुका है ये वाला ऑलरेडी। ये दो चीज़ें आपको देता है, नंबर एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिंटैक्स, जो कॉल बैक प्रोमिसेस एसिंक अवेट वगैरह जो नया वाला है वो आपको देता है ये,
और साथ में वैलिडेशन के भी ना कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जो वो नहीं करता MongoDB की अपनी लाइब्रेरी, ठीक है। वो मोर लाइकली क्या है कि स्कीमा लेस हो, मतलब बड़ा डेटा हो उसका कोई स्कीमा नहीं हो, बस उसको डंप, वो उस तरह की चीज़ों में वो वाली लाइब्रेरी ज़्यादा सही है। लेकिन हम तो जो चैटबॉट्स बनाएंगे या जो वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे उसमें तो हमारे पास स्कीमा होगा ना, डेटा का जो स्कीमा होगा, हमें स्कीमा लेस से फिलहाल अभी लेना देना नहीं है। हाँ, हम डेटाबेस ऐसा सीख रहे हैं कि कल को स्कीमा लेस को भी हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हम स्कीमा बनाते हैं, अगर कोई फील्ड रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलती है तो वो एरर देता है, वैलिडेशन का मैसेज देता है, हम बताते हैं कि अच्छा यार ये फील्ड मिसिंग है, तो ये एक प्रॉपर आपको ना वे दे देता है ये सारी चीज़ें करने का। अदरवाइज़ अगर हम MongoDB की लाइब्रेरी में ये सारे काम करें तो हमें मैनुअली ये फेल्स लगाना पड़ेगा, काफ़ी काम बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। वेल, रिसेंटली मैंने MongoDB की अपनी लाइब्रेरी यूज़ नहीं की, मे बी उन्होंने भी ये सारे फीचर दे दिए, ठीक है, लेकिन मार्केट में सब लोग मोंगोस यूज़ कर रहे हैं तो हम भी वही यूज़ करेंगे। स्कीमा जो है ना एक ब्लू प्रिंट होता है कि यार अभी बनाएंगे हम स्कीमा, अभी बनाएंगे कि भाई जो डेटा आएगा ना वो ऐसा होगा, हम पहले ही जैसे अगर सीक्वल डेटाबेस किसी ने यूज़ किया है तो सीक्वल में जो है वो होता है टेबल्स बनती हैं पहले ना। हेलो, वाईम सलाम जी हारिस, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं ज़रा ना क्लास के बीच में हूँ ना, तो अगर कोई ज़रूरी बात है तो दो मिनट में कर लें, अदरवाइज़ मैं आपको मे बी कॉल बैक करूँ क्लास के बाद में, सही रहेगा जी। एंगुलर के डेवलपर तो नहीं, रिएक्ट के डेवलपर्स अवेलेबल हैं बहुत सारे। अच्छा, एंगुलर का एक लड़का है मेरे पास एंगुलर का, मैं बताता हूँ आपको क्लास के बाद ना, मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूँ, सही है। अच्छा, सही है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो मोंगोस, अब मोंगोस को कैसे इंस्टॉल करना है, ऐसे इंस्टॉल होगा npm mongos, इसको इस पे क्लिक करते हैं ना तो ये कॉपी हो जाता है, या इधर भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, मैं आ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, टर्मिनल ओपन किया मैंने, और टर्मिनल ओपन करके ठीक है मैं इसी फोल्डर में मौजूद हूँ, मैंने कहा npm mongos, तो ये mongos मेरे पास क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे, ठीक है, देखो इन्होंने दोनों बताया हुआ है, पुराना वाला तरीका भी और ये नया वाला तरीका भी, तो हम नया वाला कर रहे हैं, हम नया वाला कर लेते हैं। आ गया भाई, हम यहाँ पर आके मैंने क्या कर लिया, इसको इम्पोर्ट कर लिया, तो mongos की जो लाइब्रेरी थी वो मेरे पास इम्पोर्ट हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, mongos.connect के mongos के डेटाबेस से मैंने कनेक्ट करना है, और ये कनेक्शन मैं कहाँ पे करूँगा, ये मैं शुरू में ही कर लूँगा इस जगह पे, राइट, ये शुरू में ही कर लूँगा मैं इस जगह पे। अब सवाल ये है भाई कि ये जो mongos.connect हो रहा है ना, तो ये MongoDB के डेटाबेस से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये MongoDB का डेटाबेस कहाँ है, ठीक है, ये तो लोकल डेटाबेस से कनेक्ट करने का URL लगा हुआ है, लेकिन हम इस क्लास में लोकल डेटाबेस नहीं पढ़ेंगे। लोकल डेटाबेस का मतलब होता है कि डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी मशीन में ही इंस्टॉल है, जो डेटा सेव होगा वो आपकी मशीन में ही होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, एक तो लोकल इसको इंस्टॉल करना ना बहुत सर का दर्द है, पहली बात, सही है, विंडोज़ में तो बहुत ईजिली हो जाता है, लेकिन मैक में और लिनक्स में काफ़ी सेटअप करना पड़ता है, फिर उसका डाउन साइड ये है कि जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं ना वो बैकग्राउंड में चल जाता है, तो काफ़ी रिसोर्स एक्सटेंसिव भी होता है ये, ठीक है, बिला वजह आपके सिस्टम को। अच्छा, फिर ये तो चलो कोई मसला नहीं है, ये तो आसान तो खैर कुछ भी नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब यही ऐप आप क्लाउड में डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पे तो फिर आपकी मशीन नहीं है, लोकल जो डेटाबेस आपने इंस्टॉल किया था मशीन में वो वहाँ पे कनेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपकी मशीन में, और आपने अपनी मशीन शट डाउन कर दी है, शट डाउन नहीं भी किया अगर तो वो अमेरिका में पहुँच चुका है, आपका पीसी पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, और आपके इंटरनेट प्रोवाइडर ने वो गेटवे वगैरह भी बंद किए हैं। तो बेहतर ये है कि हम क्या करें, क्लाउड में किसी जगह पे डेटाबेस बना लें। अच्छा, क्लाउड में जितनी भी जगहों पे डेटाबेस बनता है उसमें से कोई भी फ्री नहीं है, क्लाउड आपको पता है क्लाउड कभी भी फ्री नहीं होता, क्लाउड के थोड़े बहुत पैसे आपको देने होते हैं, लेकिन जो MongoDB का अपना एक क्लाउड है जिसको वो बोलते हैं MongoDB एटलस, उन्होंने शुरू में आपको ट्रेल में 500 MB का डेटाबेस फ्री में दिया हुआ होता है, तो हम वहाँ पे जाके ना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो 500 MB तक
फ्री देता है आपको। अच्छा, उसमें अप टाइम वगैरह की कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि भाई आपका डेटाबेस हर वक्त अप रहेगा, यानी मतलब स्टूडेंट्स के लिए ही है। अच्छा, MongoDB का जो डेटाबेस है वो सिर्फ MongoDB एटलस में नहीं बनता, वो कहीं भी बन सकता है। आपके खुद का अगर लिनक्स का इंस्टेंस है वहाँ पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अच्छा, आपके पास गूगल क्लाउड अगर है वहाँ पे भी होस्ट हो जाता है MongoDB, AWS के क्लाउड में भी हो जाता है, ठीक है। तो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन MongoDB एटलस, ये एक ऐसा डेटाबेस है जो कहीं भी होस्ट हो जाता है। अच्छा, कुछ डेटाबेसेस और भी मार्केट में इस वक्त घूम रहे हैं, जैसा कि फायरबेस जो है ना, वो है तो आसान, इसकी नस्बत शायद आसान है, आसान तो खैर नहीं है, वो एडवांस फिर उसका बहुत ही मुश्किल है, इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। वेल, उसमें प्रॉब्लम ये होती है तो वो फ्री डेटाबेस और वो शुरू में गेटिंग स्टार्टेड में इससे आसान है, लेकिन मसला ये फायरबेस के साथ कि वो कहीं और होस्ट नहीं हो सकता। फायरबेस सिर्फ गूगल के पास firebase.com पे ही होस्ट हो सकता है, और वो कोई स्टैंडर्ड डेटाबेस भी नहीं है। जैसे एक स्टैंडर्ड डेटाबेस होता है ना, जैसे सीक्वल है, सीक्वल स्टैंडर्ड डेटाबेस है। सीक्वल कहीं पे भी होस्ट कर लो, माइक्रोसॉफ्ट पे भी कर लो, ओरिकल पे भी कर लो, कहीं भी आप कर सकते हो। इसी तरह जो MongoDB है ये नो सीक्वल डेटाबेस कहलाता है, ये एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है और ओपन सोर्स है, सब में बड़ी बात। तो एक तो अगर कोई ऐसी आपके पास प्रॉब्लम आ गई है जो सॉल्व, तो आपके पास सोर्स कोड पूरा अवेलेबल है GitHub के ऊपर, तो आप वो जाके देख सकते हैं खुद भी। आपकी अगर कंपनी बड़ी है तो आप अपने बंदे लगा सकते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए, अपनी मर्जी की चेंजेस उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। और यही ओपन सोर्स होने की वजह से क्या होता है कि दुनिया में जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं कहीं पर भी आप होस्ट कर सकते हैं, तो बड़ी फ्लेक्सिबल है इस मामले में ये, और मशहूर भी बहुत है, अपना टेन्योर भी पूरा कर चुकी है एंटरप्राइज, अब इसके अंदर रिलक्टेंट अब नहीं है उस तरह से, जिस तरह से ये फायरबेस वगैरह तो फेलियर है, टोटल फेलियर है। अच्छा, तो हम ये इसको ना रिमूव कर देते हैं, हम लोकल डेटाबेस नहीं पढ़ने लगे। अच्छा, तो आ जाओ चलते हैं फिर हम MongoDB एटलस। अच्छा, MongoDB.com, सही है, MongoDB.com है। अच्छा, MongoDB.com पे गया मैं, मैंने कहा व्यू प्राइसिंग, पहला पेज इन्होंने प्राइसिंग का खोला है, तो ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है शेयर्ड डेटाबेस जो होगा ना आपका, जो कि कितना होगा, 512 MB की स्टोरेज होगी, रैम आपकी शेयर्ड होगी, और क्रेडिट कार्ड इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये $0 है, फ्री है। उसके अलावा $57 वाला प्लान भी है इनका, और 0.10 सेंट पर मिलियन वाला भी एक प्लान है, जो कि सर्वरलेस नाम रखा हुआ है। वेल, तो मेरा चूंकि पहले से अकाउंट बना हुआ है, मैं साइन इन करूँगा, आप सब लोग साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपको अपनी ईमेल जो है वो वेरीफाई करनी पड़ती है, तो मैं जस्ट गूगल से इसको कर लेता हूँ साइन इन, क्योंकि मेरा पहले से इस पर अकाउंट बना हुआ है। ओके, अच्छा, प्रोजेक्ट जीरो के अंदर चला गया मैं। ओके, अच्छा, तो डैशबोर्ड आपके पास ना कुछ ऐसा दिखने वाला है, जब आप इसको साइन अप कर लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। वैसे ही है ना, ईमेल वगैरह भी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो वो कर लीजिएगा प्लीज़। उसके बगैर थोड़ा सा उसमें शायद टाइम लगे, 10-15 मिनट सम टाइम अपडेट होने में ना टाइम लगाता है। अच्छा, फिर आपने करना है बिल्ड अ डेटाबेस। अच्छा, बिल्ड अ डेटाबेस जैसे ही मैंने किया तो मुझसे इसने पूछा भाई फ्री वाला करना है या पैसों वाला। मैंने कहा भाई फ्री वाला, नेक्स्ट। अच्छा, अब देखो ये क्या कह रहा है कि फ्री वाले में ना आपका जो, अच्छा, MongoDB.com ना अपने पास अपना इनका सर्वर नहीं है, अपने पास नहीं रखता ये, AWS, गूगल क्लाउड और Azure, ये तीन इनके पास हैं प्रोवाइडर, ये वहाँ पे आपका डेटा होस्ट कर देता है, ठीक है। इन्होंने वहीं पे मतलब अपना सर्वर बनाया हुआ होगा, कुछ किया हुआ होगा। तो मुझसे पूछ रहा है कि भाई गूगल क्लाउड पे रखना चाहोगे, AWS पे रखना चाहोगे, कहाँ रखना चाहोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट से बड़ा प्यार है उनको, तो वो माइक्रोसॉफ्ट पे रखेंगे अपना डेटा, सही है। तो मैं AWS सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि AWS में बेनिफिट मुझे क्या है, सबसे ज़्यादा फ्री रीजन्स अवेलेबल हैं, देख रहे हो, सिडनी, टोक्यो, हांगकांग, सिंगापुर,
और यूएस में दो है, ईस्ट है और वेस्ट है, दोनों दोनों साइड है मौजूद है। ऑन अदर एंड गूगल क्लाउड पे मुझे इतने फ्री जगहें नहीं मिलती हैं, एज्योर पे भी मुझे इतनी फ्री जगहें नहीं मिलती हैं, सही है। और AWS की सबसे अच्छी सर्विस चल रही है इस वक्त, ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है AWS ना, तो आई वुड गो विद दैट। अच्छा, ये जो इतने सारे रीजन्स मुझे बता रहा है, इसमें से मुझे कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है बताओ? इंडिया क्यों सेलेक्ट करूंगा मैं? रूल नंबर वन, कोई भी बिजनेस अपना डेटा दुश्मन मुल्क में नहीं रखता, ठीक है। वैसे तो दुश्मन मुल्क क्या है मतलब, लेकिन दोस्त नहीं है ना, वैसे तो दोस्ती दुश्मनी नहीं होती मुल्कों में आपस में, वो उसको बोलते हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा टर्म यूज करते हैं ये। अब ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सर्वे के क्वेश्चन में कुछ भी डाल दो। हाँ, कुछ भी डाल दो। व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू आर बिल्डिंग जैसे पूछ रहा है ना, तो वो सर्वे के क्वेश्चन है उसकी। खैर, वेल वो ये इंटरनेशनल रिलेशंस वालों को ये पढ़ाते हैं कि वो कॉमन म्यूचुअल म्यूचुअल बेनिफिट्स होती हैं, दोस्ती जो होती है ना वो म्यूचुअल बेनिफिट्स होती है, कि आप उसको कुछ फ़ायदा दे रहे हैं, वो आपको कुछ फ़ायदा दे रहा है। तो इंडिया के साथ भी किसी लेवल पे हमारी म्यूचुअल बेनिफिट्स की का एग्रीमेंट है, ट्रीटी साइन हुआ हुआ है, ट्रेनें चल रही हैं वहाँ से, टमाटर आ रहा है वहाँ से, ठीक है। बहुत सारे मामलात हैं जो सेटल्ड हैं, लेकिन कुछ फ्रंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो मामलात थोड़े आउट हैं। तो कोई भी बिजनेस जो है ना अपना डेटा किसी ऐसी जगह पे नहीं रखता। मिसाल के तौर पे अमेरिका अपना डेटा कभी चाइना के अंदर नहीं रखेगा, सही है, क्योंकि अमेरिका और चाइना वैसे तो हैं सही, लेकिन थोड़ी मतलब लगी रहती है इनकी। इसी तरह जर्मन जर्मनी में नहीं रखेगा कभी, अमेरिका अपना डेटा जर्मनी या फ्रांस में नहीं रखेगा कभी, ठीक है। इसी तरीके से सऊदिया अपना डेटा जो है वो क्या कहते हैं, इसराइल वगैरह, इसराइल तो खैर अब दोस्त हो रहा है उसका, ये साथ में है ना, जो कतर, कतर में नहीं रखेगा कभी, क्योंकि वैसे तो सही है, लेकिन बीच में इनके बड़े मसले मसले कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे है ना वहाँ नहीं रखते। तो अच्छा, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपसे करीब तरीन कौन है, और दूसरा ये देखना है कि वो दोस्त मुल्क हो आपका तो बेहतर है, सही है। अच्छा, तो बताओ सबसे करीब कौन है? हाँ, सबसे करीब ना अमेरिका है। नहीं, अमेरिका से दोस्ती सबसे अच्छी है भाई, पूरी दुनिया में अमेरिका जैसा दोस्त है ही नहीं, लिख लो। मतलब सीधी बात करता है ना यार, अमेरिका से दोस्ती है भाई हमारी, वो तो जो मर्जी बोलता रहे, लेकिन अमेरिका से हमारी जो क्या उसको बोलते हैं सियासी लेवल पे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है अमेरिका से। हमने उसको बेस बना के दिया था यहाँ पे, बहरी बेड़ा लगा था उसका, पता नहीं सब कुछ, पैसे भी देता है, काम करवाता है, तो ये भी अच्छी बात है उसकी। वो अभी ऑडियो लीक हुआ है ना, कह रहे यार हमें पैसे वैसे लेने होते हैं, उनका नाम नहीं लिया करो। बोलो करना है जो करना है करते रहो, नाम नहीं लो। हाँ भाई, क्या बोलो? अच्छा, करीब, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ अभी, कि करीब किससे करीब, क्या हमसे करीब, डेवलपर जहाँ बैठा हुआ उससे करीब, जो यूज़र होगा ना उससे करीब, ठीक है, जो यूज़र होगा उससे करीब, डेवलपर से करीब नहीं। देखो, अब एक मिसाल के तौर पे मैं फेसबुक का यूज़र हूँ, मैं जब अपने कंप्यूटर पे facebook.com खोल के एंटर करता हूँ ना, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? facebook.com के सर्वर पे जाती है, डेटाबेस में नहीं जाती डायरेक्ट, ये जहन में रखना, सर्वर पे जाती है। तो सर्वर कहाँ होना चाहिए? करीब तरीन होना चाहिए मुझसे, पाकिस्तान के अंदर कराची में हो तो बेस्ट है, तो मुझसे करीब तरीन होना चाहिए सर्वर। अच्छा, और वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा, जितनी करीब होगा उतनी जल्दी आएगा, क्योंकि डेटा तारों के जरिए ट्रैवल करता है, लिटरली ट्रैवल करके जाता है और वापस आता है, सही है। तो जितना ज़्यादा फासला होगा वो उसका टाइम बढ़ेगा, लेटेंसी बढ़ेगी आपकी, सही है, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो नंबर एक बात ये हो गई कि सर्वर किससे करीब होना चाहिए, जो यूज़र है ना, एंड यूज़र जो यूज़ करेगा उससे करीब होना चाहिए सर्वर। डेटाबेस किससे करीब होना चाहिए? आपके सर्वर से।
डेटाबेस किससे करीब होना चाहिए? आपके सर, क्योंकि डेटाबेस को यहाँ से एंड यूज़र डायरेक्ट हिट नहीं करेगा, एंड यूज़र हिट करेगा सर्वर को और सर्वर बात करेगा डेटाबेस से, ठीक है ना? तो मेरा सर्वर इस वक्त कहाँ पे मौजूद है? क्लाउड वाला जो है साइक्लिक, साइक्लिक में पूछा ही नहीं था हमसे ऐप बनाते हुए कि रीजन कौन सा सेलेक्ट करना है, वो पेड वर्जन में पूछेगा हमसे, फ्री वाले में नहीं पूछा ना साइक्लिक ने, और हरी को भी नहीं पूछता, हरी को पूछता नहीं है, वो एक बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ जाता है कि भाई यूएस में बन रहा है आपका ये। तो साइक्लिक का मेरा सर्वर जहाँ पे मौजूद है ना, मुझे उससे करीब तरीन डेटाबेस चाहिए। अच्छा, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे, अभी तो अभी जो जिस लेवल की एप्लीकेशन हम अभी बना रहे हैं ना, टू डू वाली, इसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा दुनिया के किसी कोने में भी बनाते हैं, आपको वो सेम रिस्पॉन्स टाइम है। हाँ, लेकिन जब वो मिलियन यूज़र्स आते हैं, फिर ज़्यादा डेटा होता है, फिर ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो फिर ये बाकायदा पता चलता है, फिर ये बाकायदा ग्राफ में आपको दिखता है कि यार मेरा रिस्पॉन्स टाइम ना बढ़ता ही चला जा रहा है। तो देख लेते हैं ज़रा साइक्लिक के जो रीजन्स हैं वो कौन से हैं। अमेरिका में ईस्ट है और एक वेस्ट है ना, दो साइड है अमेरिका की, तो मुझे दोनों दे रहा है ये, तो देख लेते हैं कि वो कौन सा वाला करीब है। तो मैंने कहा साइक्लिक, अर्थ का सेंटर से क्या फायदा होगा? कहीं भी होगा, जैसे न्यूजीलैंड वो काफी दूर है। लिमिट्स नहीं, नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ कि सर्वर आपके एंड यूजर से करीब होना चाहिए और डेटाबेस आपके सर्वर से करीब होना चाहिए। अगर मैं उसको ड्रॉ करके बताऊँ ना, यहाँ पे NGS के, अब ये मिसाल के तौर पे मैप है पूरा ना, पूरी दुनिया का मैप है। अब आपका जो यूज़र है ना ज़्यादा, अगर वो अगर मिसाल के तौर पे चाइना का है, ठीक है, चाइना इस जगह पे मौजूद है, आपका यूज़र ज़्यादा चाइना का है और कुछ यूज़र आपका जो है वो यूरोप का है, दो जगह आपकी ऐप चलती है, तो अब आपको सर्वर कहाँ बनाना चाहिए? इन दोनों के सेंटर में कोई ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ पे सर्वर लगाते हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे जो आपका यूज़र सिर्फ चाइना का है, तो फिर आप चाइना के अंदर अपना सर्वर लगा देंगे और डेटाबेस फिर कहाँ रखेंगे? सर्वर से करीब, चाइना में ही रख दें डेटाबेस, समझ रहे हो बात? तो ये वाला चक्कर है। अब अगर मैं दुनिया के सेंटर में यहाँ बनाऊँ, ये दुनिया का सेंटर ये हो गया ना, तो चाइना है वैसे तो करीब है यहाँ से, लेकिन अगर मुझे और करीब मिल जाए लोकेशन तो बेस्ट है, ये वाला चक्कर है। हाँ, पूरी दुनिया से आ रही हो, जैसे फेसबुक है पूरी दुनिया से आ रहे हैं यूज़र, तो वो पूरी दुनिया में चार पांच सर्वर लगाता है अपने अलग अलग जगहों पे ना, चार पांच नहीं बल्कि हर कंट्री में सर्वर लगाता है। फेसबुक का सर्वर पाकिस्तान में भी मौजूद है जो यहाँ से आपको रिस्पॉन्स कर रहा होता है, ठीक है। सर्वर तो नहीं है शायद, वो CDN का सेटअप वेटअप कुछ इन्होंने लगाया है, कैशे करके रखता है वो, जभी तो फेसबुक इतनी स्पीड में चलता है, वरना तो कहाँ चलेगा। तो उसमें ना लोड बैलेंसिंग हुई भी होती है। इवन जब google.com आप खोलते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे google.com.pk खुलता है ऑटोमेटिक, पाकिस्तान, उसको पता होता है कि पाकिस्तान में। तो ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, इन्होंने मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल डेटा सेंटर्स बनाए हुए होते हैं और मल्टीपल जो है ना स्विचेस बनाए हुए होते हैं। स्विचेस क्या होते हैं कि वो कैशे कर लेते हैं आपके डेटा को ना, यानी कराची से जाहिर है शाहिद आफरीदी का पेज जो है फेसबुक का, कराची से हज़ारों लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो जो डेटा एक बार एक्सेस कर लिया ना, वो रास्ते में स्विच से गुजर के आता है, वहाँ पे सेव हो जाता है, वो कैशे हो जाता है, अगली दफ़ा जब कोई बोलेगा ना तो वो कैशे से उठ के आता है, पूरा आगे तक नहीं जाता। तो इस तरह के काफ़ी जुगाड़ हैं, काफ़ी अवेलेबल यानी ऑप्शंस हैं जो कि बड़ी कंपनीज करती हैं, ठीक है। एक रेडीज करके बड़ा अच्छा है, वो यूज़ करते हैं लोग इसके लिए ना, रेडीज करके वो यही काम करता है, कैशे कर लेता है वो। अच्छा, तो मैं साइक्लिक की डॉक्यूमेंटेशन में आके ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ये है कहाँ। अब ये ना, ये फिर ये पूरा एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक पूरा टॉपिक है, ये मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा लेकिन वो एक तो समझ में नहीं आएगा और दूसरा ये कि जो है ना बात लंबी हो जाएगी बहुत। सही है, मतलब कि जैसे सीक्वल और नो सीक्वल में मेन डिफरेंस भी बाई द वे यही है। नो सीक्वल में ना ये काम करना आसान है, मल्टी रीजन डेटाबेसेस जो होते हैं वो बनाना नो सीक्वल में आसान है, लेकिन हम अभी इतने बड़े लेवल पे जाके नहीं सोच रहे, तो उसको रहने दो फिलहाल, या बता दूँ। अच्छा, नहीं नहीं तो एंड में नहीं, वो तो अभी अभी बताऊँगा ना, बताना है तो उधर। देखो असल में होता ही है, ये पूरा वर्ल्ड है ना, पूरी दुनिया है ये। अब आपके पास ना मिसाल के तौर पे
एक सर्वर यहाँ लगा हुआ है आपका, एक यहाँ लगा हुआ है, सही है, एक यहाँ लगा हुआ है, तीन डेटाबेसेस लगे हुए हैं ना। नो सीक्वल में एक बेनिफिट होता है कि अगर यहाँ से बैठा हुआ है कोई यूज़र और उसने रिक्वेस्ट मारी तो रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटा डेटाबेस लगा हुआ होगा जो सिर्फ यहाँ का डेटा संभाल रहा होगा, सही है। ये मेन डेटा सेंटर मिसाल के तौर पर यहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। डेटा सेंटर भी दो जगह बनाते हैं ना, ताकि एक जगह नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो वो दूसरा रहे। तो वो यहीं पे ना छोटा सा डेटाबेस, फिर इस सर्वर के साथ यहाँ पे छोटा सा डेटाबेस, छोटे का मतलब है कि मतलब कुछ हज़ार टेराबाइट्स का, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो इधर सेव हो जाएगा। अच्छा, जब यहाँ जैसे फेसबुक पे मैंने पोस्ट की ना, वो यहाँ पे अपडेट हो गई, वो दूसरी जगह पे अपडेट नहीं होगी। अगर कोई कनाडा में बैठा हुआ बंदा उसी वक्त रिफ्रेश करेगा ना, मेरी पोस्ट उसको नज़र नहीं आएगी, मेरी पोस्ट उसको नज़र आएगी आराम से, तसल्ली से, हो सकता है दो चार मिनट बाद या हो सकता है दो तीन घंटों बाद, आराम से नज़र आएगी। ठीक है, तो नो सीक्वल में एक ये बेनिफिट होता है कि आपके पास। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये इधर जो सेव हो गया डेटा, वो बाकी इन डेटाबेसेस में और इस वेयर हाउस में कब अपडेट होगा? ठीक है, इसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं कि आप कब अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं सीक्वल के बारे में बता दूँ। सीक्वल में क्या होता है? सीक्वल में ये होता है कि जितने भी पूरी दुनिया में आपके सर्वर्स हैं ना, और उसमें जो डेटाबेसेस हैं वो सिंक होते हैं। ठीक है, और अगर एक जगह पे अपडेट होता है कोई भी डेटा, तो वो तमाम जगहों पे अपडेट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक जगह पे, मिसाल के तौर पे बैंक है, कोई बैंक की पूरी दुनिया में ब्रांचेस हैं, एक कराची में ब्रांच है, एक जो है वो दुबई में। तो अगर मिसाल के तौर पे कराची में बैठ के मैंने 1,00,000 रुपये विड्रॉ किए ATM से, ठीक है, तो अगर ये वाला काम वहाँ पर किया जाए और मैं फ़ौरन फ़ोन करके बताऊँ दुबई में कि यार तू भी कर ले विड्रॉ, तो वो दोनों जगह से विड्रॉ हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो इस वजह से इसमें एक चीज़ यूज़ की जाती है, इसको ट्रांजेक्शनल डेटाबेस, ट्रांजेक्शन बोलते हैं इसको ना, इस अप्रोच को। तो सीक्वल में जो है ना, आम तौर पे बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन ही हो रही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट कि पूरे डेटाबेस को रोक दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो पूरे डेटाबेस को रोक दिया जाता है, वो ट्रांजेक्शन पूरी होती है, फिर अगली ट्रांजेक्शन आती है। उसके उस दौरान कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो क्यू में लगती चली जाती है कि भाई आप अभी रुक जाओ, फिर अगले क्यू का एग्जीक्यूट होता है, तो फिर वो पूरा होता है, फिर तीसरा होता है, फिर चौथा होता है, तो इस तरह करके काम हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि सीक्वल, आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि SQL जो है स्लो है, वो इस वजह से स्लो है। अगर आप सिंगल एंटिटी चला रहे हैं, सिंगल आपका डेटाबेस है और डायरेक्ट उसी में सब हो रहा है, तो फिर क्या स्लो है, फिर तो सही है, फिर तो सेम है। हाँ, लेकिन बहुत बड़े डेटाबेस में जाके फिर वो बहुत दूसरे रीजंस भी हैं उसके स्लो डाउन होने के, क्योंकि वो फिर उसके क्वेरी सिस्टम उसका कुछ ऐसा है कि उससे भी स्लो होता है। वेल, तो ये वाला एक तरीका है सोशल मीडिया को और इस तरह की ऐप्स को ना, ये नहीं चाहिए कि सब जगह एक साथ अपडेट हो, चाहिए। यूट्यूब में MKBHD ने कोई वीडियो अपलोड की 12 बजे, फिक्स 12 बजे वो वीडियो अपलोड कर दिया उसने, तो मुझे 12:01 पे भी अगर नोटिफिकेशन मिल जाए तो कोई मसला नहीं है, 2 बजे भी मिल जाए नोटिफिकेशन तो कोई मसला नहीं है, समझ लो, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। थोड़ी देर से भी मिले नोटिफिकेशन तो देख रही है उसको, क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ नोटिफिकेशन आ रहा है, नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, कोई ऐसी क्रिटिकल बात नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको कन्फिगर करते हैं कि वो थोड़ी देर बाद अपडेट करेगा। अच्छा, फिर हम क्या बोलते हैं, ये जो छोटा वाला डेटाबेस है ना, इसका रेप्लिका होता है। इसका रेप्लिका कौन होता है? ये होता है, सही है। अच्छा, इस वाले डेटाबेस में ये कब अपडेट होगा? अगेन, इसकी डिफरेंट कन्फिग्रेशन है, लेकिन अगर कैनेडा में बैठा हुआ कोई बंदा ना मेरा पेज खोलेगा और बोलेगा मुझे ये पेज दिखाओ, तो ये यहाँ से उठ के ना इस डेटाबेस में भी आ जाएगा। अगर कभी मेरा पेज कभी भी किसी ने कनाडा से नहीं ओपन किया, तो इस डेटाबेस में मेरा पेज मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो एक्चुअली हो रहा क्या होता है कि अगर कनाडा से बैठ के कोई मेरा पेज ओपन करता है, तो पहले इस डेटाबेस में देखा जाएगा, यहाँ नहीं मिला तो फिर यहाँ देखा जाएगा, और अगर यहाँ भी नहीं मिला तो फिर इन सब में भी चेक किया जा सकता है। डिफरेंट कन्फिग्रेशन है इसकी, ठीक है। यही वजह है कि जब आप कोई जब आप कोई ऐसा पेज होता है जो बहुत दिन तक आप यूज़ नहीं कर रहे या बहुत दिन तक आप उसको खोल नहीं रहे, तो वो थोड़ी देर में खुलता है। या यूट्यूब की कुछ वीडियोस होती हैं, जैसे मेरी वीडियोस, उस पर व्यूज़ बहुत कम है, ठीक है, तो वो जब वीडियो आप खोलते हैं तो वो थोड़ी देर में लोडिंग होकर खुलती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसको वो इतना ज़्यादा प्रोपेगेट नहीं करते। या जैसे मिसाल के तौर पर कोई US का प्राइम मिनिस्टर है कोई,
उसका जो पेज है ना, क्योंकि वो पूरी दुनिया से एक्सेस किया जा रहा है, वो फॉरन खुलेगा ठक करके। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट अप्रोचेज हैं। ये डेटा वेयर हाउस करके एक टॉपिक होता है, ये पूरी स्पेशलाइजेशन है इस फील्ड की। जो डेटा सेंटर बनाते हैं लोग, डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन करते हैं कि डेटा सिंक कैसे होगा, कहाँ से कैसे ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो डेटा की ट्रैवलिंग का पूरी एक साइंस है ये। तो ये मैंने आपको एक अप्रोच बताई है, इसकी कई मुख्तलिफ अप्रोच हो सकती है। अच्छा, ये समझ में आ गया कि नो सीक्वल डेटाबेस कैसे हो रहा है। अच्छा, रेप्लिका सेट बनाना हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे, हम सिंगल डेटाबेस वाला करेंगे। लेकिन रेप्लिका सेट बनाना भी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वो एक एक दूसरा डेटाबेस बनेगा साथ में, वो भी URL आप बोलेंगे रेप्लिका सेट 1, 2, 3, 4, फिर उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है कब अपडेट हो, ठीक है, वो आपने लिखनी होती है, तो वो सेट हो जाता है। वेल, अभी उसको हम जो है कवर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने निकाला आपका जो साइक्लिक के ना रीजन्स हैं, जो वो ओपन किया मैंने। तो ये कह रहा है यार, ये हमारे पास रीजन्स मौजूद हैं, लेकिन फ्री में जो हम बना रहे हैं सर्वर, वो कौन से उस पर जा रहा है ये नहीं इसने बताया। किसी ऐप में जाके देखता हूँ मैं, अंदर शायद शो कर रहा हूँ मैं। कंटिन्यू विद GitHub। मैं अभी फाइंड आउट ये करना चाह रहा हूँ कि मेरी जो ऐप है, आपके तो चार हो गए। चार कैसे हो गई भाई, मैं भी सोच रहा हूँ। ये तो तीन देता है फ्री में। अच्छा, वेल, हम ये टू डू ऐप सर्वर है ना मेरा, इसकी सेटिंग में जाता हूँ, अंदर में तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं मुझे क्या बता रहा है ये, मेरा रीजन कहीं बता रहा है कि कहाँ पर हूँ। पेड वाले में तो पूछता है ये, फ्री वाले में उससे पूछा नहीं ना। फ्री वाला मोस्ट ऑफ द टाइम ये वहीं पे कर रहे होते हैं, US में। अच्छा, मैं डिप्लॉयमेंट्स में गया, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ ट्रांजैक्शंस। अच्छा, बाय द वे, ये ट्रांजैक्शन ना MongoDB में भी हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशन है जो मैंने ट्रांजैक्शन में करना, तो फिर मैं बोलता हूँ कि भाई ये काम ट्रांजैक्शन में ही करना, सब जगह एक साथ अपडेट करना ना। जैसे पासवर्ड वगैरह जब चेंज करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन आप उसको कर सकते हैं अगर चाहें तो। इन्होंने यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ कि कहाँ पर। हाँ, ये आ गया ना, प्राइमरी रीजन जो है मेरा कौन सा है, वो मिडल ईस्ट बहरीन है। ये क्या बकवास है यार, US में कर देता। खैर, तो मुझे ये पता चल गया कि मिडल ईस्ट बहरीन जो है ना मेरा रीजन इस वक्त सेट हुआ है, सर्वर मेरा वहाँ पर है। इसने देखा होगा, अच्छा यार ये यहाँ से बना रहा है तो करीब तरीन जो भी है वो कर दो। तो हम ज़रा गूगल मैप पे देख लेते हैं बहरीन। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मुझे जस्ट देखना था कि कहाँ पर है, ताकि मैं सर्वर उस जो डेटा बेस है ना अपने सर्वर से करीब रखूँ मैं। अच्छा, बहरीन जो है ना वो देख लेते हैं हम कि कहाँ पर है वर्ल्ड मैप के अंदर। हाँ, ये तो बहरीन देखो ना, मेरे से करीब है ये, बहरीन जो है मेरे से करीब है। और सबमरीन की जो केबल आ रही है ना, ये जो गवादर से निकल रही है, सीधी बहरीन जा रही है। तो इसने इंटेलिजेंटली मुझे बहरीन सजेस्ट कर दिया, ठीक है। मतलब बीच में कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे ज़मीनी रास्ता है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि चाइना का जो सर्वर है, चाइना भी पाकिस्तान से करीब है, या मिसाल के तौर पे इंडिया में जो सर्वर लगा हुआ है, या इंदौर वगैरह में कहीं होगा, अहमदाबाद में, तो ये दूर है, ये करीब है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी तार है, सबमरीन की सीधी तार जा रही है। वेल, तो मैंने कहा भाई बहरीन में ना, तो अब जाके ज़रा देखते हैं कि बहरीन से करीब यहाँ पर कौन सा वाला है, ठीक है। एशिया के अंदर टोक्यो है, हांगकांग है, सिंगापुर है, और अरे बहरीन है ना मेरे पास अवेलेबल। बस मसला हल हो गया मेरा, बस क्रिएट क्लस्टर, बहरीन सेलेक्ट किया मैंने और क्रिएट क्लस्टर का बटन दबा दिया। क्या पूछ रहा है मेरे से ये, अबे भाई ये एक साथ हमने इतने सारों ने किया ना, मेरे ख्याल इस वजह से ये गड़बड़ कर रहा है। अलग अलग IP नहीं है हमारी, सबकी सेम है।
अच्छा बना दिया इसने ये डेटाबेस ना, वो उधर एरर आ गया था लेकिन बन चुका है, असल में डेटाबेस मेरा बन चुका है, ठीक है डेटाबेस। अच्छा आपके पास ना डेटाबेस जब ये बनेगा ना शुरू में, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आ रही होती है कि वो क्रिएटिंग डेटाबेस इस तरह करके लिखा हुआ होता है, तो कुछ 4-5 मिनट लगता है। मेरे पास ये लाइन लिखी भी नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, आनी चाहिए अलग है, लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है इसको ना 2-4 मिनट 5 मिनट लगते हैं। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को ज़रा, अब ये नहीं पता मेरे पास ये क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा। वेल मेरे पास क्लस्टर पे ना ये ग्रीन बत्ती जल गई है, तो मैं भी पहले मैं US में बनाता रहा हूँ तो वहाँ पर टाइम लगता हो, बहरेन में ना लगता हो टाइम। अच्छा अब अगला काम मैंने क्या करना है, मैंने क्लिक करना है कनेक्ट के ऊपर। ये जो स्टेप करने लगा हो ना इसको गौर से देखना, इसमें मिस्टेक करोगे तो फिर बड़ा मसला होता है। देखो अब ये पूछ रहा है कि चूज अ कनेक्शन मेथड, कि कनेक्शन का मेथड बताओ कौन सा है। नंबर एक कनेक्ट विद MongoDB शेल। MongoDB शेल क्या है, गिट बैश की तरह का एक टर्मिनल होता है, एक CLI ऐप होती है ना, उससे कनेक्ट करना है तो ये शेल सेलेक्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि सर्वर के एनवायरनमेंट में UI नहीं होती, तो ये शेल इन्होंने अपना एक बनाया हुआ है, हमें उससे लेना देना नहीं है। नंबर दो कनेक्ट विथ योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये किसको कह रहा है, सर्वर को, एक्सप्रेस की एप्लीकेशन को कह रहा है, तो मैंने एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब अगला सवाल मुझसे पूछा है इसने कि सेलेक्ट योर ड्राइवर वर्जन, ठीक है Node.js है मेरा, सही है Node.js की ऐप है, PHP का भी सर्वर हो सकता है, Python का भी सर्वर हो सकता है, और मैंने कहा लेटेस्ट, यहाँ से वर्जन लेटेस्ट सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैंने मोंगोस का वर्जन भी लेटेस्ट सेलेक्ट किया था। अच्छा उसके बाद नंबर दो इसने लिखा, वर्जन पूछ लिया एक तो और सब कुछ पूछ लिया, उसके बाद कहा इसने कि एड योर कनेक्शन स्ट्रिंग इन टू योर एप्लीकेशन कोड, कह रहा है कि ये है आपका वो कनेक्शन स्ट्रिंग, जो लोकल होस्ट लिखा हुआ था ना वहाँ पे लोकल का, ये क्लाउड का आ गया। अच्छा इसमें एक चेक लगा हुआ है, इंक्लूड फुल ड्राइवर कोड एग्जाम्पल, एक तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग बताया हुआ है ना, इस पर क्लिक लगाएंगे ना तो ये पूरा देखो इसने कोड लिख के दे दिया, लेकिन कोड इसने कौन सी लाइब्रेरी का लिख के दिया है, MongoDB का, लेकिन हम कौन सा लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, मोंगोस, तो हम ये हटा देते हैं, हम सिर्फ ये कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा एक चीज़ इसने मुझसे पूछी नहीं बस, हाँ वो IP वाला ना मुझसे पूछा नहीं इसने। वेल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, मैं इसको ज़रा पेस्ट कर देता हूँ पहले आके ना, ठीक है, और मैं ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, एक मिनट मैं बैक करता हूँ। हाँ ये वाला स्टेप ना मुझसे पूछा नहीं इसने, क्योंकि मेरा ये पहले से बना हुआ अकाउंट है, मैं पहले ही ऐड कर चुका हूँ, ये आपसे पूछा जाएगा। नंबर एक एड कनेक्शन IP एड्रेस। IP एड्रेस का क्या मतलब है, कि इस डेटाबेस को जिस मशीन से एक्सेस किया जाएगा उसकी IP क्या है, सही है, आपकी सर्वर जिस मशीन पे पड़ा हुआ है वहाँ से एक्सेस किया जाएगा, राइट। तो आपको ना साइक्लिक या इस तरह के जो प्रोवाइडर हैं सर्वर के, ये अगर आपने खुद अपना EC2 इंस्टेंस बनाया हुआ है, लिनक्स का इंस्टेंस, तो आपको पता होता है उसकी IP क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए हम कहते हैं कि यार आप क्या करो, तमाम IPs को आप अलाउ कर दो कि इसमें, अच्छा ये यहाँ पे तो नहीं आ रहा, लेकिन ये एक पेज बना हुआ होता है अलग से, तो इस पेज पे मैं चला जाता हूँ क्लिक करके ना, ये सिक्योरिटी के अंदर साइड पे आ रहा होता है, ठीक है, ये इस जगह पे आ रहा है सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्क एक्सेस। तो ये मेरे पास देखो पहले से ना एक IP डली हुई है, तो आपने ये IP इसमें ऐड करनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तमाम IP एड्रेसेस को अलाउ किया जा रहा है कि वो इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। ये रेकमेंडेड नहीं है कि आप इस तरह रखें, ठीक है, प्रोडक्शन में रेकमेंडेड ये है कि आपका जो सर्वर है ना उसकी IP लगी हुई हो, ताकि कोई और अगर आपको पासवर्ड मिल भी जाए ना किसी को डेटाबेस का, तो वो उसको एक्सेस ना कर सके, क्योंकि वो IP एड्रेस तो आपके पास है, सिर्फ उसको नहीं पता होगा कि वो IP एड्रेस कौन सा वाला है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एक सिक्योरिटी की एक लेयर बन जाती है कि बंदा जो भी आपके डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है उसको 3 चीज़ें चाहिए, आपका यूजर नेम, पासवर्ड, और फिर ये IP कि कौन सी IP आपने यहाँ पे मेंशन की हुई है। साइक्लिक का IP लगाना होगा, लेकिन साइक्लिक मेरा नहीं ख्याल कि फ्री में वो बता रहा है IP, देख लेते हैं, क्या पता बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, बता रहा होता है वैसे कहीं ना कहीं, सब डोमेन तो बता रहा है, वेरिएबल डेटा स्टोरेज बता रहा है। वैसे सामने सामने तो नजर नहीं आ रहा है, मे भी कहीं अंदर कहीं लिखा हुआ इसने क्या IP क्या है। पेड वर्जन में तो वेल आपको जरूर बताएगा ये
ये तो फ्री वाला वर्जन सेटिंग कर दिएगा इस वाले की कौन से अकाउंट की सेटिंग ये MongoDB एड्रेस बता तो रहा हूं करो ना इसमें यूजर नेम मांग रहा है कौन सा यूजर नेम मांग रहा है वो अभी ये बता रहा हूँ अभी रुक जाओ आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से अच्छा तो नेटवर्क एक्सेस में मैंने ये वाली आईपी ऐड कर दी राइट अच्छा अगला सवाल मुझसे क्या पूछेगा ये अगला सवाल मुझसे पूछेगा क्रिएट अ डेटाबेस यूजर ये जो डेटाबेस यूजर है ये कौन सा यूजर है ये असल में आपको कह रहा है कि आप एक यूजर नेम और पासवर्ड बताओ जो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा तो आपसे ये सीधा स्क्रीन पे पूछेगा लेकिन मेरा क्योंकि अकाउंट पहले से बना हुआ है ना तो मुझसे ये एक ये बटन दे रहा है मुझे इस पे मैंने क्लिक किया तो मुझे एक पूरे पेज पे लेकर गया आप इस पे बाद में भी जा सकते हैं कैसे जाएंगे आप सिक्योरिटी के अंदर डेटाबेस एक्सेस पहले गया था नेटवर्क एक्सेस अभी डेटाबेस एक्सेस तो अभी डेटाबेस एक्सेस में आप देखें दो यूज़र मेरे पास बने हुए हैं पहले से राइट मेरे पास दो यूज़र पहले से बने हुए हैं तो आप क्या करेंगे आपने सिंपल मैं एक नया यूज़र ऐड कर लेता हूँ ठीक है आपने लिखना है एक अदर यूज़र नेम और एक अदर लिखना है आपने पासवर्ड ठीक है और आपने इसको क्या कर देना है एक्सेस दे देना है आपको रीड और राइट का ना ठीक है ये रहा रोल सेलेक्ट करना है आपने एडमिन या रीड और राइट भी कर देंगे तो भी चलेगा सही है मेरे पास क्योंकि पहले से बने हुए तो मैं नया यूज़र बना नहीं रहा हूँ इसको कैंसिल कर देता हूँ मेरे पास एक यूज़र ये बना हुआ है डीबी यूज़र अच्छा ये डीबी यूज़र का मैं पासवर्ड भूल गया हूँ तो इसका मैं पासवर्ड क्या कर देता हूँ चेंज कर देता हूँ एडिट का बटन मैंने दबाया और आके ना यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ एडिट पासवर्ड मैंने कहा कि डीबी पासवर्ड ठीक है ये मैंने इसका पासवर्ड यहाँ पे रख दिया और मैंने कहा भाई अच्छा इसका मैं चेक कर लेता हूँ रोल क्या है इसका रोल को मैंने चेक किया हाँ रीड एंड राइट एनी डेटाबेस ये इसका रोल है सही है एडमिन नहीं रखा मैंने इसको रीड एंड राइट रखा है अपडेट यूज़र ठीक है जी अपडेट यूज़र का बटन मैंने दबा दिया और ये कह रहा है कि वी आर डिप्लॉइंग योर चेंजेस करंट एक्शन कॉन्फ़िगरिंग MongoDB तो ये जो मैंने पासवर्ड अभी चेंज किया है इसको इसका इम्पैक्ट आने में 2 से 4 मिनट लग सकते हैं ठीक है हाँ वो ख़त्म हो गया मेरे ख्याल है आ गया अच्छा अब जो मुझे इसने कनेक्शन स्ट्रिंग दिया था इसमें मुझे वही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है क्या था मेरा DB यूज़र और DB पासवर्ड सही है ये मैंने दोनों बातें लिख दी बाकी पूरा का पूरा ये जो है ना आगे ये अपनी जगह पर सही है ओके गॉट इट अच्छा तो मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे मिल गया मेरा अब मेरा यहाँ से ना काम ख़त्म हो गया इसका MongoDB क्लाउड का जो काम था ना वो इतना ही था MongoDB का क्लाउड का जो काम था मेरा वो ख़त्म हो गया राइट अब मैं कहाँ पे आ जाता हूँ अब मैं आ जाता हूँ मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में सही है कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे क्लाउड पे मैंने क्या कर लिया एक अदर डेटाबेस बना लिया और उसका कनेक्शन स्ट्रिंग ले लिया मैंने और अब मुझे कहाँ पे आ जाना है मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में अब देखो मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन ना बहुत ही सिंपल है इसने बोला भाई ऐसे करके आप रिक्वायर करो ऐसे करके आप कनेक्ट करो और उसके बाद ऐसे करके आप डेटाबेस में डेटा ऐड करना शुरू कर दो तो इसने यहाँ पे लोकल कनेक्शन स्ट्रिंग दिया था मैंने कौन सा दे दिया क्लाउड वाला दे दिया अच्छा इस कनेक्शन स्ट्रिंग में ना एक चीज़ मिसिंग है अभी भी वो चीज़ क्या है भला कि ये MongoDB.net तक जो है ना इसके आगे मुझे डेटाबेस का नाम बताना होता है ठीक है कोई भी मेरी मर्जी का तो मैंने इसको कह दिया ABC डेटाबेस सही है ये जो नाम यहाँ पे मैं रखूँगा ना उसी नाम से ही डेटाबेस बनेगा ठीक है तो ये एक मिसिंग पार्ट था ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया अच्छा नहीं DB यूज़र तो वो है ना मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं ये तो यूज़र नेम और पासवर्ड है ना ऑथेंटिकेशन ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ बाद में डिलीट भी कर सकता हूँ सही है ये जस्ट ऑथेंटिकेशन के लिए होता है अंदर मैंने आपने देखा दो यूज़र बने हुए हैं मेरे पास तो दो में से कोई भी लगाऊंगा कनेक्ट होगा डेटाबेस सेम है अंदर ठीक है डेटाबेस का नाम मैंने ये रखा है और इस यूज़र को क्या एक्सेस मौजूद है रीड और राइट टू एनी डेटाबेस इन दैट क्लस्टर अच्छा अब मैंने काम अगला क्या करना है मैंने काम अगला ये करना है
यहाँ पे मैं आऊँगा, बल्कि इसके मैं वहाँ चले जाता हूँ, हाँ एक चीज़ अभी भी मिसिंग है इसमें, वो क्या है, वो इसके कनेक्शन इवेंट्स हैं। कनेक्शन इवेंट्स क्या है, मिसाल के तौर पे ये डेटाबेस मैंने mongos.connect तो रन कर दिया, लेकिन ये डेटाबेस कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ ये मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो कनेक्शन इवेंट्स जो है इसके डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मौजूद है, मैं रीड द डॉक में गया और यहाँ पे मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कनेक्शंस, और कनेक्शन में ना कनेक्शन इवेंट्स हैं, कि कनेक्टेड या एरर, यस ये कनेक्शन इवेंट्स हैं, सही है। कनेक्टिंग, कनेक्टेड, ओपन, डिसकनेक्टिंग, डिसकनेक्टेड, क्लोज, रीकनेक्टेड, ये सारे हैं ना। अच्छा, इसका मैंने कोड ना एक जगह पे लिख के रखा हुआ है, बॉयलर प्लेट है ये, हर दफ़ा यूज़ होता है, तो मैंने बहुत पहले एक ऐप बनाई थी उसमें मैंने बहुत तरीके से ना लिख दिया था ये 5 इवेंट जो इसके होते हैं, दैट इज़ सेल्स मैन ऐप, सही है। इसमें मैंने लिखा था 2016 में आखिरी अपडेट हुई थी ये ऐप, और इसके मैं चला जाता हूँ इंडेक्स डॉट, सही है। तो ये वो इवेंट्स हैं सारे, ये मैंने यहाँ पे से उठा के कहाँ पे पेस्ट कर दिया, लास्ट में पेस्ट कर सकता हूँ मैं अपने कोड के, बिल्कुल लास्ट में भी पेस्ट कर सकता हूँ, कुछ ज़्यादा ही कॉपी कर लिया इसको, ठीक है। हाँ नीचे वाला सेम रहेगा, ये सब मैं हटा देता हूँ, ये असल में ये पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ बना है ना, बल्कि काम करता हूँ मैं, ऊपर जो मेरा ये था ना पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से मैंने कट किया, और कट करके मैं कहाँ लेकर आ गया, इधर ला के मैंने पेस्ट कर दिया, सही है, ठीक है। मैंने अपना कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ दे दिया DBURI, और mongos.connect में वो DBURI पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक लोकल भी मौजूद है कि अगर जस्ट इनके स्विच करना हो लोकल और क्लाउड में, लोकल वाले का मेरा काम नहीं है, उसको हटा देता हूँ। तो मेरे पास ये URI आ गया, ये सारे नीचे जो है ना मेथड, कनेक्टेड जब होगा तो ये कॉन्सोल आएगा, डिसकनेक्टेड जब होगा तो ये कॉन्सोल आएगा, सही है, एरर जब होगा तो ये कॉन्सोल आएगा और एग्जिट कर देगा आपकी एप्लीकेशन को भी साथ साथ। तो इस तरह ये 3-4 कनेक्शन, अब इसको ज़रा ना चला के भी देख लेते हैं, इतना यहाँ तक सही हो रहा नहीं हो रहा। npm run dev, ठीक है, mongo nodemon चलेगा जो लास्ट हमने पढ़ा था और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि mongodb mongos is connected, ये कौन से वाले से आया, ये इस वाले से आया। अगर ये नहीं लगाऊंगा ना मैं ये इवेंट्स, तो मुझे फिर पता नहीं चलेगा कि मेरा डेटाबेस कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ठीक है, हो तो जाएगा ऐसा ही कनेक्ट, लेकिन पता नहीं चलेगा मुझे। तो यहाँ पे मुझे क्या हो गया, श्योरिटी हो गई कि मेरा डेटाबेस जो है वो क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, राइट। अच्छा, मेरा ख्याल है यहाँ तक तो सिंपल था, थोड़ी एक्सप्लेनेशन लंबी की है मैंने, लेकिन कोड तो 2 ही लाइन का ही है जो अभी तक हमने एक्चुअल में पढ़ाया कोड, ऐसा ही है ना। अच्छा, आई होप कि ये MongoDB एटलस में आप सब लोगों ने अकाउंट साथ ही बना लिया होगा, बना लिया। अच्छा, वो अगर कुछ IP सेम होने की वजह से ना प्रॉब्लम कर सकता है वो, क्योंकि सब यहाँ पे जितने PC हैं सबकी जो पब्लिक IP है वो तो जाहिर है सेम है, एक ही प्रोवाइडर इंटरनेट का, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर यहाँ पे ना बने तो आप घर जाके ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। और ये स्क्रीन भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये भी आपके पास अवेलेबल होगी स्टेप बाई स्टेप जैसे मैंने किया है। अच्छा, अब अगला काम ये है कि भाई डेटाबेस तो कनेक्ट हो गया है, अब इस डेटाबेस में क्या किया जाए, कुछ डेटा ऐड किया जाए। तो डेटा ऐड करने के लिए ना मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर एक काम ये करना पड़ेगा, मुझे स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा लेट टू डू स्कीमा इक्वल्स टू mongos डॉट क्रिएट स्कीमा, अच्छा ये मैं कहाँ से बना रहा हूँ स्कीमा देख के, ये mongos की डॉक्यूमेंटेशन में से देख के बना रहा हूँ, आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ कि वो कहाँ पर है। अच्छा, ये गाइड के अंदर ना आप देखें स्कीमा करके यहाँ पे बना हुआ है और फिर मॉडल करके बना हुआ है, तो मैं स्कीमा में गया, सही है, देखो स्कीमा ना ये इस तरह से बन रहा है यहाँ पर, सही है, ऐसे स्कीमा बन रहा है,
ठीक है, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके भी ला सकता हूँ एक्चुअली ना, सही है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट, अच्छा न्यू मंगोस डॉट स्कीमा राइट, क्योंकि मैंने मंगोस यहाँ पे रिक्वायर किया हुआ है, मंगोस डॉट स्कीमा। अच्छा तो ये टू डू स्कीमा मेरा क्या हो गया, तैयार हो गया। टू डू स्कीमा में टाइटल होगा, एंकर होगा, ये सब नहीं होगा, सही है ना। तो टू डू के अंदर जस्ट क्या होगा, मेरा टेक्स्ट होगा, दैट्स इट, जो कि स्ट्रिंग उसकी टाइप होगी। और ये बाकी सारा मैं क्या कर देता हूँ, गायब कर देता हूँ। अच्छा डेट होगा मेरे पास ऑफकोर्स, कि ये टू डू कब क्रिएट हुआ है, ठीक है। डेट को मैं कर देता हूँ क्रिएटेड ऑन, ठीक है, क्रिएटेड ऑन में टाइप उसकी डेट है और डिफॉल्ट क्या है, डेट डॉट नाउ। अच्छा बाकी चीज़ें मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज़ एटलीस्ट मुझे चाहिए इसके अंदर। अच्छा अभी क्योंकि मेरे पास यूज़र लॉगिन वगैरह तो है नहीं, अगर लॉगिन होता तो मैं ये भी कर देता कि किसने ऐड किया, इस तरह की चीज़ें। या जैसे अभी जैसे एयर डॉट सेस बॉर्ग है, तो वहाँ पे क्या रखते हैं, वहाँ पे ना क्लास आईडी भी रखते हैं, ठीक है, कि क्लास आईडी जो है वो कुछ ना कुछ वो भी होगी क्लास आईडी, ठीक है, वो भी एक्चुअली टू डू ऐप है जस्ट विथ क्लास आईडी। तो चलो ठीक है, क्लास आईडी भी रख देते हैं थोड़ी देर के लिए फिलहाल। तो ये मेरा क्या तैयार हो गया, एक स्कीमा तैयार हो गया। स्कीमा का मतलब स्कीम है, एक स्कीम से निकला ना वर्ड स्कीमा, कि ये स्कीम है कि जो भी नया डेटा आएगा उसमें ये एटलीस्ट ये तीन चीज़ें होंगी मेरे पास, ठीक है। ये अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी ये एरर देगा। अच्छा मिसाल के तौर पर टेक्स्ट अगर नहीं आया तो इसको मुझे एरर देना चाहिए, उसके लिए मुझे ये मेंशन करना होगा। क्या मेंशन करना होगा, कि ये जो है ना इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है और ये है रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड ट्रू है, सही है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया कि रिक्वायर्ड ट्रू है। अब अगर टेक्स्ट नहीं मिला तो ये सेव नहीं करने देगा डेटा, ये रोक देगा मुझे। क्लास आईडी के अंदर मैंने रिक्वायर्ड ट्रू नहीं लगाया हुआ है, तो क्लास आईडी ना भी मिले तो उसके बगैर भी सेव कर देगा, ठीक है। इसी तरह क्रिएटेड ऑन में मैंने रिक्वायर्ड नहीं लगाया हुआ है, तो क्रिएटेड ऑन अगर ना मिले तो उसके बगैर भी सेव कर देगा, लेकिन क्या करेगा, डिफॉल्ट में डेट डॉट नाउ लगा देगा। अगर तो बंदे ने डेट दे दी तो सही है, नहीं दी तो ऑटोमेटिक डेटाबेस का जो टाइम हो रहा होगा ना वो टाइम उसमें रखवा देगा अभी वाला, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा स्कीमा को अगर मज़ीद आपने स्टडी करना हो तो ये मौजूद है हमारे पास ना, स्कीमा का पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है कि स्कीमा कैसे बनते हैं, क्या क्या होते हैं, स्कीमा के अंदर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। हमने इस वक्त सिर्फ स्ट्रिंग की टाइप को देखा है, इसके अलावा नंबर भी हो सकता है, डेट हमने देखा, बफर हो सकता है, बूलियन हो सकता है, ठीक है। अब इसको एरे वगैरह को आप अलग से पढ़ सकते हैं कि ये कौन सा वाला जो डेटा टाइप है वो क्या काम कर रहा है, समझ लो। स्कीमा में अभी मैंने क्या रखा है, मैंने टेक्स्ट जो है उसकी टाइप रखी है स्ट्रिंग, क्लास आई डी की टाइप स्ट्रिंग और क्रिएटेड ऑन की टाइप डेट। तो हमने दो टाइप्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे बूलियन एरे और कई और सारे टाइप्स भी हैं, उनको अगर आप स्टडी करना चाहें तो अलग से कर लें। हमारा काम इन दो तीन में ही हो रहा है, तो हम फिलहाल इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहे। अच्छा अब मुझे क्या करना है, अगला काम मुझे मॉडल तैयार करना है, ठीक है। मॉडल का ये मैंने कोड कॉपी कर लिया यहाँ से, और मैं कोड कॉपी करके यहाँ पर आया और मैंने कहा कि भाई टू डू मॉडल इक्वल्स टू मोंगोस डॉट मॉडल, और यहाँ पे जो मैं नाम रखूँगा ना वो डेटाबेस में इस नाम से कलेक्शन तैयार होगी, ठीक है। ये जो मैंने टू डू लिखा है इसमें एस लगाना ज़रूरी है, अगर मैं इसमें एस नहीं लगाऊँगा तो डेटाबेस ये मोंगोस इसमें ऑटोमेटिक एस लगा देता है, क्योंकि ये क्या है, ये मेरे डेटाबेस में इस नाम से कलेक्शन बनेगी, मेरे डेटाबेस में कलेक्शन जो है वो इसी नाम से बनेगी, तो एस इसमें लगाना ज़रूरी है। अच्छा ये मैंने बनाया स्कीमा, ये मैंने बना लिया मॉडल, ठीक है। अब स्कीमा और मॉडल क्या चीज़ होते हैं, अब जरा हम थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके ना ड्राइंग ऐप में आ जाते हैं और MongoDB का ना हायरार्की समझ लेते हैं कि वो डेटा को मेंटेन कैसे करता है, तो फिर आपको ये भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो मैं ज़रा आ जाता हूँ पेंट में दोबारा से, अच्छा मैं सीक्वल से कंपैरिजन करूँगा, तो जिनको सीक्वल पहले से आता है उसके लिए भी हेल्प आउट हो जाएगा, लेकिन जिनको नहीं आता वो इग्नोर कीजिएगा सीक्वल को। अच्छा ये हमारे पास एक अदद, इमेजिन कर लें सीक्वल डेटाबेस है और ये हमारे पास
नो सीक्वल डेटाबेस है, ठीक है, दोनों बराबर ही हैं। अच्छा, सीक्वल डेटाबेस के अंदर क्या होता है, एक अदर टेबल होती है, ठीक है, और टेबल बल्कि ऐसे बनाता हूँ, एक अदर टेबल है, ये दो टेबल है, ये तीन टेबल है और ये चार टेबल है, और हर टेबल में जो डेटा स्टोर होता है ना उसको वो कहते हैं एक रो है, ये ऐसे बोलते हैं सीक्वल के अंदर, ठीक है, इस टेबल के अंदर जो स्टोर होता है उसको बोलते हैं ये एक रो है, ठीक है। और जो रो होता है ना, हर रो के अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पर जैसे टू डू है ना हमारा, तो टू डू में एक रो के अंदर क्या है, सबसे पहले टेक्स्ट है, फिर क्लास आई डी है, फिर डेट है, सही है, फिर टेक्स्ट है, फिर क्लास आई डी है, फिर डेट है, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो हर रो के अंदर जो है एक एक डेटा आइटम्स होते हैं। अच्छा, अब यही काम जो है नो सीक्वल डेटाबेस में कैसे होता है, इसमें होता है एक अदद कलेक्शन, सही है, उसमें टेबल की, टेबल वाली जगह पे ना इसमें कलेक्शन होता है, सही है, दो कलेक्शन मैंने बना दिए। अच्छा, हर कलेक्शन के अंदर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया, ये दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया, ये तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया, ये चौथा डॉक्यूमेंट, ये पांचवा डॉक्यूमेंट, सही है, ये छठा डॉक्यूमेंट। हर एक डॉक्यूमेंट जो वो क्या होता है, एक कंप्लीट जेसन होता है, जेसन मतलब एक की होती है, एक उसके आगे वैल्यू होती है, सही है, एक की होती है, एक उसके आगे वैल्यू होती है, एक की होती है उसके आगे एक और वैल्यू होती है, ये कंप्लीट जेसन होता है, ठीक है। और जेसन जो है वो यहाँ से शुरू है, ऐसे इमेजिन कर लें आप, और यहाँ पे ये जो है वो जेसन आपका ख़त्म है, सही है, ये एक जेसन फाइल है आपकी। अच्छा, अब हमारे पास जो इसमें कलेक्शन जिसको हम कहते हैं ना, आप ये कह सकते हैं कि वो टेबल की इक्वल है, अगर सीक्वल सॉन्ग का कंपेरिजन करें तो। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है एक, आप ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो वो रो के इक्वल है, जो यहाँ पे एक रो है ना उसके इक्वल है, ठीक है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ है नहीं, ये एक टोटली डिफरेंट अप्रोच है ये। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारा एक डॉक्यूमेंट ये था, ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट आ गया, ये आपका तीसरा डॉक्यूमेंट आ गया, ये आपका चौथा डॉक्यूमेंट आ गया, ये आपका पांचवा डॉक्यूमेंट आ गया, सही है। अब देखो ये जो सारे डॉक्यूमेंट है ये सारे एक जैसे ही है ना, मिसाल के तौर पे इमेजिन कर लो, इस वाले जो मेरा था ना, ये जो मेरी कलेक्शन थी, इस कलेक्शन का नाम मैंने क्या रखा, मैंने कहा भाई ये जो ना टू डूज की कलेक्शन है, सही है, मैंने इस कलेक्शन का नाम क्या रखा, मैंने कहा भाई यार टू डूज की कलेक्शन हो, इसके मैं यहाँ पे बारे में ऐसे भी लेजेंड बना दूँ इसका, समझ आ रहा है, ये टू डूज की कलेक्शन थी और उसके अंदर डॉक्यूमेंट नंबर वन, डॉक्यूमेंट नंबर टू, डॉक्यूमेंट नंबर थ्री, ऐसे इस डॉक्यूमेंट्स की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जितना मर्जी चाहो रख सकते हो, यानी जितना अवेलेबल, आप जैसे 512 MB का डेटाबेस आपको दे रहा है MongoDB एटलस, तो आप जितना मर्जी रख लो ये, ठीक है, उस स्पेस के अंदर अंदर रहते हुए। अच्छा, फिर आपके पास एक जो है ना एक कलेक्शन और है आपके पास, उसका कोई और नाम है, इसके अंदर भी सेम उसी तरह क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, इसी तरह डॉक्यूमेंट होंगे। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट का जो है ना कोई स्कीमा, MongoDB भी बोलता है स्कीमा हो नहीं हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमारे केस में स्कीमा है, लेकिन MongoDB को ना भी मिले स्कीमा तो चल जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे केस में हर डॉक्यूमेंट में क्या है, एक टेक्स्ट है और उसके आगे वो जो टेक्स्ट के जो भी लिखा है बंदे ने, उसके आगे क्लास आई डी, क्लास आई डी की वैल्यू, सही है, उसके आगे डेट और डेट की वैल्यू, की वैल्यू पेयर है, किसी में अगर एक एक्स्ट्रा भी आ जाए ना तो MongoDB को फर्क नहीं पड़ता, किसी में कोई मिसिंग हो MongoDB को फर्क नहीं पड़ता, MongoDB बोलता है मुझे कोई मसला नहीं है, कोई स्कीमा नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि क्या सेव होगा क्या नहीं होगा, जो मर्जी सेव करते रहो। अच्छा, हम लेकिन ये नहीं चाहते फिलहाल के लिए, हमने जो डेटाबेस बनाना है उसके अंदर हमें ऐसा यूनिफॉर्म डेटाबेस चाहिए ना, कि भाई सारे टू डू एक जैसे हों, ताकि जब वो आए सर्वर से उठकर तो हम उसको मैप चला के सीधा सीधा प्रिंट करवा दें, ठीक है,
तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं स्कीमा। हम कहते हैं भाई ये स्कीम है, और ये स्कीमा की जो फैसिलिटी हमें कौन दे रहा है, ये मोंगोस की लाइब्रेरी दे रही है, मोंगो डीबी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा ये होगी स्कीम जिसमें सेम होगा। अच्छा, स्कीम तैयार करके ना फिर मैंने बोला इसका मॉडल बना दो। मॉडल क्या मतलब, जैसे उसको आप रबर स्टैम्प की तरह समझें कि ये एक रबर स्टैम्प बन गया है, अब इसमें आप इंक लगानी है अपने और छापते जाना है, जितनी बार छापेंगे उतने उतना डॉक्यूमेंट तैयार होते चला जाएगा। अच्छा, तो अब मैंने अगला काम ये करना है, मैंने कहा कि भाई टू डू मॉडल, ठीक है ये हटा दूंगा मैं अभी, इसके इसकी अब जरूरत नहीं है मुझे, सही है, लेकिन अभी चलो इसको थोड़ी देर में हटाते हैं। पोस्ट है ना, अब ये जो टू डूज डॉट पुश करता था ना मैं, अब ये पुश करने की बजाय क्या करूंगा, मैं बोलूंगा टू डू मॉडल डॉट क्रिएट, सही है, और इसमें ये पूरा मैं बना दूंगा। मैंने कहा कि टेक्स्ट के अंदर क्या रखवा दो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट, राइट। अच्छा, उसके बाद क्रिएटेड ऑन मुझे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाई डिफॉल्ट रख देगा, और क्लास आईडी भी देने की शायद फिलहाल जरूरत नहीं है अभी ना, क्योंकि वो भी ऑप्शनल है। तो सिर्फ मैं टेक्स्ट इसको देकर जो है ना क्या करवा देता हूँ, सेव करवा देता हूँ। अच्छा, ये मैं कहाँ से देख के लिख रहा हूँ कोड, ये भी मैं मोंगोज के डॉक्यूमेंटेशन में से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं किस में था, अभी मैं स्कीमा में था ना, अब मैं आगे आ जाता हूँ जम 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 मॉडल के अंदर, इसमें शायद वो बनाना सिखा रहे होंगे ना, ओके जम 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 ये रहा, ठीक है। तीन तरीके हैं इसको, इस इन्होंने टैंक के नाम से मॉडल तैयार किया हुआ है अपना, तो मैं ऐसे न्यू टैंक करके भी कर सकता हूँ डॉट सेव, ठीक है, मैं टैंक डॉट क्रिएट भी कर सकता हूँ, तो मैं ये सेकंड वाला काम कर रहा हूँ टैंक डॉट क्रिएट वाला ना, और इसमें एक एसिंक्रोनस तरीका भी होता है, अगर वो नज़र आ जाए ना तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। वेल चलो अभी यही करते हैं तो सामने मौजूद है, ठीक है। तो टैंक डॉट क्रिएट करके इन्होंने यहाँ बताया हुआ, तो मेरे केस में टू डू मॉडल डॉट क्रिएट, सही है, और टू डू मॉडल डॉट क्रिएट डम डम डम, उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन है। अच्छा, ये फंक्शन जो है मैं ES6 वाला फंक्शन भी इसको दे सकता हूँ। ES6 वाला फंक्शन कैसे दूंगा, बस ये एरो लगा दूंगा, ES6 हो गया, ठीक है। तो मॉडल डॉट क्रिएट में इसको सिंगल लाइन में भी कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डेटा है बिल्कुल, तो सिंगल लाइन में कर देता हूँ। मैंने कहा टू डू मॉडल डॉट क्रिएट, और क्रिएट के अंदर मैंने क्या दे दिया, वो डेटा दे दिया जो मुझे ये असल में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, और फिर मैंने दे दिया एरर और सेव्ड, ठीक है। इसमें दो मुझे पैरामीटर, मैं नाम इसका कुछ भी रख सकता हूँ, भाई उसने स्माइल पता नहीं क्या रखा हुआ था। अच्छा, अब मैंने ये बोला कि भाई इफ नॉट एरर, अगर एरर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करो कि भाई जो भी मैं मैसेज भेजता था, क्या भेजता था मैसेज, ये भेजता था ना, इसको मैंने कट किया, मैंने कहा भाई ये मैसेज भेजो आप, एल्स एल्स में जो है वो मतलब एरर है, तो एरर पे मैं क्या मैसेज, अच्छा कोई मैसेज ही नहीं भेजता था एरर पे मैं, चलो मैसेज का कोई एरर, एरर का ना एक मैसेज तैयार करते हैं। हाँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड तो मैंने मिसिंग कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड तो मैंने लगाया ही नहीं है, डायरेक्ट मैसेज कर दिया। सही है। अच्छा, जो एरर का मैसेज है उसमें मैं क्या लिखूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, ठीक है। स्टेटस आप देख लीजिएगा स्टेटस क्या होता है, शायद मैंने थोड़ा सा बताया भी था, नहीं बताया था। वेल HTTP स्टेटस कोड होता है, जैसे 404 का क्या मतलब है, नॉट फाउंड, इसी तरह सर्वर पे कोई एरर हो जाए ना तो उसका 500 है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप याद दिलाइएगा, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूंगा अलग से। तो ये 100 से लेके 500 तक के कोड होते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट है उसका, जैसे पांच प्रिंसिपल्स हैं STPI के, वैसे ये भी है। अच्छा, मैसेज में मैंने क्या लिखा कि भाई सर्वर एरर, दैट्स इट, सही है, और डेटा इसमें नहीं भेज रहा मैं कुछ भी। अच्छा, ये वाला मैसेज कहाँ पे जाएगा, वहाँ कैच में जाता है, जहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ ना एग्जॉस्ट से, ये तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स यहाँ से ना, लेकिन जब जब 500 लगा दिया ना मैंने, इसका मतलब है एरर है, ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स नहीं है, ये एरर का रिस्पॉन्स है, तो ये जाएगा कैच में ऑटोमेटिकली ना,
तो देखो इसके अंदर मैं बॉडी नहीं भेज रहा हूँ, डेटा नहीं भेज रहा हूँ, जस्ट एक मैं क्या भेज रहा हूँ, एरर का मैसेज। अच्छा तो अच्छा नॉट एरर के ऊपर ना मैं कॉन्सोल डॉट लॉग करवा के ना किसको प्रिंट करवा लेता हूँ, ये जो सेव्ड है ना इसको भी प्रिंट करवा लेता हूँ कि ये सेव्ड में क्या देगा ये। ठीक है, वैसे यहाँ हाथ रख के भी मुझे पता चलेगा कि ये सेव्ड में मुझे क्या दे रहा है। डॉट क्रिएट कॉल बैक, कॉल बैक में ये नहीं समझ आ रहा अभी, खैर चला के देख लेते हैं हाथ के अभी इसको। अच्छा तो मेरा सर्वर ऑलरेडी यहाँ पे रनिंग है, मेरा सर्वर क्या है ऑलरेडी रनिंग है, तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से थंडर क्लाइंट से मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। सही है, थंडर क्लाइंट तो पता है ना सब लोगों को, ये थंडर क्लाइंट पता है ना सबको। तो मैं अभी अपने फ्रंट एंड से कॉल नहीं करना चाह रहा, अभी मैं API डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कॉल करूँगा। अच्छा क्या है मेरे सर्वर का जो एड्रेस जिस पर रन हो रहा है, ये पोर्ट 3000 पे रन हो रहा है, राइट? हाँ पोर्ट 3000 पे रन हो रहा है। अच्छा तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, लोकल होस्ट 3000/todo और ये पोस्ट की रिक्वेस्ट होने वाली है। इस पर मैंने एक रिक्वेस्ट भेजनी है जिसमें मैं क्या लिखूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट मुझे चाहिए। अच्छा टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, सेंड। ठीक है ये रिस्पॉन्स आया, ऐसा क्यों हुआ भला? ओके ओके ओके, वो टू डूज ऊपर वाला वेरिएबल भी साथ में जा रहा है ना। ठीक है ये प्रिंट नहीं हुआ सेव्ड, हाँ ये हुआ है प्रिंट यार, हुआ है प्रिंट। देखो ये वाला डेटा मुझे मिल रहा है इसके अंदर, सही है, यानी कि जो भी कुछ सेव हुआ है ना इस वक्त वही मुझे ये वापस भी लाके दे रहा है, वही मुझे क्या कर रहा है ये वापस भी लाके दे रहा है। तो हम अब ये काम करते हैं, जब टू डू सेव होता है ना तो उसमें जो हम करते थे ना पूरा का पूरा वापस भेजते थे, वो अभी हम फिलहाल बंद कर देते हैं। ठीक है अभी सिर्फ ये बोला है कि भाई योर टू डू इज सेव्ड, सही है, ये टू डू डॉट पुश ये सब खत्म कर देते हैं। अच्छा तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हमने वो टू डू का वेरिएबल जल्दी से खत्म कर दिया, क्योंकि अब हमारा टू डू कहां पे सेव होने लग गया है, डेटाबेस में सेव होने लग गया है। अच्छा इस डेटाबेस में जो सेव हुआ हुआ डेटा है उसको अगर मुझे देखना हो मैं कहाँ जाके देखूंगा, MongoDB एटलस में जाऊंगा और ये ब्राउज कलेक्शंस में करूंगा ना मैं क्लिक, तो मुझे ये दिखा देगा अंदर मेरा डेटाबेस ना, क्या हो गया क्लिक क्यों नहीं कर रहा, कर रहा है कर रहा है। ठीक है देखो टू डूज करके ये मेरे पास क्या बना हुआ है, टू डूज कलेक्शन बना हुआ है, और इस टू डू के अंदर मुझे मेरा पहला डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी अभी तैयार किया वो नजर आ रहा है। सही है, ये मेरे डेटाबेस में मेरा पहला जो डेटा था वो सेव हो चुका है। साइज क्या होगा इसका, साइज बस जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है इतना ही साइज है इसका। सही है एक और सेव करवाते हैं जल्दी से आगे, मैं वापस अपने थंडर क्लाइंट को खोलता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई अनदर टू डू, अनदर टू डू सेंड, योर टू डू इज सेव्ड। सही है अभी मैं वो मना कर दिया मैंने कि भाई पूरा का पूरा टू डू वापस ला दूंगा, वो भी खत्म कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा कैसे भला, बस अप्लाई। अच्छा लोडिंग डॉक्यूमेंट, हाँ देखो दो हो गया, सही है अनदर टू डू भी यहाँ पे आ गया। अच्छा यहाँ पे आप नोट करो ऑटोमेटिकली आपको एक आईडी दे रहा है, ये हर डॉक्यूमेंट की एक आईडी, यूनिक आईडी आपको दे रहा है, वो टेक्स्ट यहाँ पे है जो मैंने रखवाया था। अच्छा क्लास आईडी मैंने नहीं दी थी तो वो यहाँ पे नहीं आई, क्रिएटेड ऑन ऑटोमेटिक आ गया, और एक वर्जन भी दे रहा है --v, अगर इस डॉक्यूमेंट को मैं अपडेट करूँगा ना तो ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे होगा। 0 का मतलब क्या है कि अभी अभी क्रिएट हुआ है और उसमें कोई चेंजेस किसी ने भी नहीं किए, अगर इसको कोई चेंज करेगा तो ये 0 से 1, 2, 3 होता चला जाएगा। सही है अब मेरा डेटा जो है वो डेटाबेस में जाके सेव होना शुरू हो चुका है, आसान था, मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक कुछ। ठीक है इतना सा कोड है ये,
टोटल 4-5 लाइनों का कोड है और इसमें से ज्यादातर कोड वो जो हम पहले ही लिख चुके हैं, जैसे response.send ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं, बस समझो ये एक ही लाइन का कोड है जो हमने आज नया सीखा है, सही है, कोडिंग के परस्पेक्टिव से। और नीचे कुछ हमने कनेक्शन वगैरह किया था, ये तो बॉयलर प्लेट है, ये हर दफ़ा ऐसे ही रहेगा, इसका बस ये URL आप अपना लगाएंगे अपने डेटाबेस का और बस दैट्स इट, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं। अच्छा, अब गेट करने वाला जो है ना, इसमें मुझे यही काम सेम काम करवाना है, तो मैं गेट कैसे करूँगा, आ जाते हैं दोबारा मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ किस पे, थोड़ी देर पहले तक मैं स्कीमा पे था, फिर मैं मॉडल पे आ गया और अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ क्वेरीज पे। मैंने क्वेरीज पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे इसने क्या बता दिया कि भाई साहब ये वो तमाम क्वेरीज हैं जो आप लगा सकते हैं। क्वेरी का मतलब क्या है कि डेटाबेस से मैं डेटा को गेट कर रहा हूँ वापस, एक तो रखवाया ना क्रिएट किया, अब वापस गेट करना है, तो मेरे पास है फाइंड, फाइंड बाई आईडी, आईडी आपको अंडरस्कोर आईडी जो उसने दी ना यूनिक आईडी उससे, अच्छा फाइंड वन, तो मेरे केस में मुझे फाइंड चाहिए राइट, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मुझे उठा के ना नीचे लेकर आ गया और यहाँ पे जो फाइंड की क्वेरी है उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। तो मैं इसमें से कौन सी वाली लेकर आ जाता हूँ, कौन सी वाली सबसे बेस्ट है, डिम 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 डिम, ये तो ये दोनों तो एक ही है, ये भी वही है, अच्छा मेरा ख्याल है हम ये वाली उठाते हैं, सही है, माई मॉडल की जगह मेरे मॉडल का नाम आ जाएगा, मेरे मॉडल का नाम है टू डू मॉडल डॉट फाइंड, अच्छा उसके बाद है क्राइटेरिया, उसके बाद क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है कि नेम इक्वल्स टू जॉन होना चाहिए, ऐसा टू टू उठा के लाओ जिसमें नेम, नेम तो हमारे पास है ही नहीं हमारे स्कीम में, हमारे पास क्या है टेक्स्ट है और टेक्स्ट क्या हो तो उठा कर लाए, स्ट्रिंग तो होगा लेकिन क्या जॉन लिखा हो या माई टू डू लिखा हो, मुझे तमाम टू डूज चाहिए, मुझे कोई क्राइटेरिया, तो मैं क्या करूँगा ये क्राइटेरिया ही हटा दूंगा, मैं एम्प्टी जेसन रखूंगा यहाँ, मैंने कहा भाई कोई क्राइटेरिया नहीं है सब उठा के लाओ, ठीक है। या मैं ये कर सकता था कि मैं लिख देता यहाँ पे कि भाई डेट जो है ना क्या था मेरा क्रिएटेड ऑन, क्रिएटेड ऑन जो है वो क्या हो आज की तारीख का हो या कल की तारीख का या इससे बड़ा इससे छोटा, इस तरह की बात मैं यहाँ पे लिख सकता था लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लिखनी, फिलहाल मुझे नहीं लिखनी, मैंने कहा भाई जो मिले सब उठा के लाओ, तो मैं ये इसको एम्प्टी छोड़ूंगा मैं, अच्छा उसके बाद एक फंक्शन है इसको मैं ES6 फंक्शन बना देता हूँ, एरो बना देता हूँ उसके आगे, ठीक है ES6 फंक्शन। अब मैंने कहा इफ नॉट एरर, सही है इफ नॉट एरर मैंने कर दिया, तो मैंने कहा कि नॉट एरर का मतलब है कि डेटा मिल गया सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है, तो मैं ये जो सक्सेस का रिस्पॉन्स है ना कट करके मैं यहाँ लगा देता हूँ, सही है मैसेज हेयर इज योर टू डू लिस्ट और ये टू डूज की जगह पे डेटा, ठीक है एरर होगा या डेटा होगा, तो मैंने कहा डेटा की जगह डेटा लगा दूंगा, यानी जो भी डेटा मुझे यहाँ पे मिला है इस क्वेरी के नतीजे में जो डेटा मुझे मिला है उस डेटा को एज इट इज कहाँ रखवा दो, मतलब भेज दो रिस्पॉन्स में, अच्छा एल्स, एल्स सर्वर एरर, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर इस फाइंड की क्वेरी में कोई भी इशू आ गया कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो फिर क्या बोला मैंने सर्वर एरर ख़त्म कर दिया। अब मेरा जो सर्वर है वो तैयार हो चुका है और वो डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है राइट सेट है बिल्कुल ओके है हर चीज़ इसमें कोई ऐसा मसला नहीं लग रहा। हाँ बस एक चीज़ की कमी है इसमें लास्ट क्या होता था कि जब भी कोई मैं टू डू ऐड करता ना तो तमाम का तमाम टू डू उठा के मुझे रिटर्न करता था ये वो मैंने अभी नहीं रखा तो करते हैं कुछ उसका। अब जाके ना हम अपने फ्रंट एंड के ऊपर जो मेरा फ्रंट एंड था ये मेरा फ्रंट एंड है इसको मैं कॉपी पाथ करके और इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ये मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया सही है और ये ओपन करने के साथ साथ ये जो मेरा था ना पोस्ट टू डू क्योंकि पोस्ट करने की सूरत में मेरे पास सारा का सारा रिस्पॉन्स वापस आता था पहले ना तो मैं इसको रोक देता हूँ कि भाई अभी ना कुछ नहीं आ रहा है सही है
मैंने कहा भाई अभी रुक जाओ, अभी कुछ नहीं आ रहा है। सही है। और अभी मैंने जस्ट इसको ये बोला कि यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दो, यहाँ पे प्रिंट करवा दो रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर ना एक मैसेज के नाम की चीज़ है, वो यहाँ पे प्रिंट करवा दो स्क्रीन पर। सही है। तो मतलब अब क्या होगा कि जब मैं टू डू को ऐड करूँगा तो वो जो आता है ना कि योर टू डू इज एडेड, वो प्रिंट हो जाएगा सामने, पूरा टू डू प्रिंट नहीं होगा। लेकिन उसको थोड़ी देर में अभी उसको भी हल करते हैं, राइट। मैंने रिफ्रेश किया और अब मैं गया कहाँ पर, इंस्पेक्ट एलिमेंट में। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके मैंने कॉन्सोल खोला, तो जैसे ही मेरा पेज लोड होता है ना तो क्या होता है, तमाम टू डू को गेट करने की कोशिश की जा रही है और उसमें टू डू पहुंच भी रहे हैं मेरे पास। देखो दो अदर टू डू मेरे पास आ रहे हैं ना डेटा के अंदर, ठीक है, दो टू डूज आ रहे हैं डेटा में। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, ऐसे करके डेटा मौजूद है, तो मुझे इसको फिर डिस्प्ले भी ऐसे ही करना होगा। क्रिएटेड ऑन है इसमें और टेक्स्ट है। मैं इसको कैसे एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे, गेट ऑल टू डू में, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा। अब ईच टू डू डॉट टेक्स्ट होगा यहाँ पे। सही है, समझ आया क्या हुआ ये? क्योंकि अब मेरे पास पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, अब मेरे पास वो टेक्स्ट वाला नहीं आ रहा। पहले तो एरे था ना, जस्ट एक टेक्स्ट होता था मेरे पास, अब वो वैसे नहीं है। ये देखो माई टू डू और अनदर टू डू। अब मैं क्या करूँगा, इसको कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा तो वो लिखा पाएगा योर टू डू इज सेव्ड, और फिर क्योंकि वो पीरियोडिकली गेट कर रहा है हर थोड़ी देर बाद, तो वो सामने अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा भाई ए बी सी और एंटर, योर टू डू इज सेव्ड, और वो फिर उसको वापस पलट के लेकर भी आ जाएगा। ये हमारा ना डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। हमारा जो टू डू ऐप थी वो डेटाबेस से कनेक्ट हो चुकी है। अब क्या होगा, इसको मैं रिफ्रेश करूँ जो मर्जी करता रहूँ, अगर मैं सर्वर को यहाँ से स्टॉप कर दूँ, ये सर्वर है मेरा, इसको स्टॉप कर दिया मैंने, और स्टॉप करके उसको मैं दोबारा चलाऊँगा तो भी क्या होगा, ये टू डू मेरा कहीं नहीं जा रहा। डिलीट करेंगे तो डेटाबेस से ही डिलीट करना होगा। अभी डिलीट करना हमने सीखा नहीं है कि डिलीट होता कैसे, ठीक है, अभी हमने सिर्फ ऐड करना सीखा है। तो क्या ख्याल है, मुश्किल तो नहीं है? आज हमने पूरी जो आज की क्लास थी इसमें हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा, अपनी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन थी उसमें कनेक्ट किया उस डेटाबेस को, और डेटाबेस में डेटा क्रिएट करना और गेट करना, ये हेलो वर्ल्ड हमने आज कर लिया। डेटाबेस का हेलो वर्ल्ड आज हमने कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट जो आने वाली क्लास है, उसमें मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आप इतना बना कर लेंगे। सही है। और इसको जाहिर है साइक्लिक पे आप जब सर्वर को भेजेंगे तो वहाँ पे भी इसी तरह चल रहा होगा। तो पहले ये होता था ना, साइक्लिक थोड़ी देर यूज़ नहीं करते थे, डेटा गायब हो जाता था, उस तरह का मसला इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे पहली बात तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये इतना करके लाएंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी कहीं स्टक हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं हेल्प आउट करके इतना आपसे पहले करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ाई करेंगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम ये पढ़ेंगे कि डेटाबेस को के कुछ एडिशनल टूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, डेटाबेस के कुछ एक दो टूल्स हैं वो हम देखेंगे, जो जाहिर है यूज़फुल रहते हैं आपकी डेवलपमेंट के दौरान, वो देखेंगे हम। नंबर दो, हम कुछ मज़ीद क्वेरीज देखेंगे, जो क्रड ऑपरेशन पूरा है ना, डिलीट एडिट ये सब भी हम ज़रा देखेंगे, और एक हम मे बी इसी टू डू ऐप में हम एडिट और डिलीट ऐड कर लें, मे बी हम कोई दूसरी ऐप सोचें। वेल, ये हम अगली क्लास में ही देखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, आप लोगों से में से अगर कोई है जीनियस और वो पहले से इस टू डू ऐप में एडिट और डिलीट इम्प्लीमेंट करके ले आए, तो क्या ही बात हो जाएगी ना, है उसको क्या, फेसबुक पे फिर लाइव सेशन करेंगे, कुछ दिखाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे। सही है। तो अगर आपसे हो पाए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपसे हो पाए तो एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी ना आप इसमें इम्प्लीमेंट करके ले आइएगा अगली क्लास में। इतना तो करना ही है, वो तो ज़रूरी है, उसके बगैर मैं आगे पढ़ाऊँगा नहीं। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है कि फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मुलाकात रहेगी आपसे। चलें जी, सवाल जी, सवाल जी प्लीज़ दो मिनट रुक जाओ, ये सवाल कर लें ज़रा, सुन लो, कोई आपके काम की बात हो सकती है। जी दोस्त, हाँ हाँ,
हाँ तो क्रैश हो जाएगा। असल में यही चीज़ें अगली क्लास में आपको मैं बताने लगा हूँ कि डेटाबेस का ना क्लाइंट होता है, उसको हम कहते हैं डेटाबेस क्लाइंट। तो वो हम इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें एक तो बार बार क्लाउड पे जाना ना पड़े ब्राउज कलेक्शन के लिए, वो हमें सामने ही दिख रहा होगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे। दैट टूल इज कॉल्ड मोंगोडीबी कंपास, सही है। और अच्छा, मोंगोडीबी कंपास के अंदर ही क्या होता है, आपको पूरा वो स्टैटिस्टिक्स भी दिखा रहा होता है कि अभी आपका डेटाबेस का साइज़ क्या हो गया है, वो पूरा ग्राफ वगैरह बना के दिखा रहा होता है कि ये कहाँ जा रहा है, मतलब थोड़ी ना, तो आपको उससे इनसाइट्स मिल रही होती है। अच्छा, आपका डेटाबेस ख़त्म तो नहीं होने वाला, ये सारी चीज़ें। फिर माइग्रेशन वगैरह, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये सारा उसमें हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक्सेल शीट के ऊपर कोई चीज़ मौजूद है, आप उस एक्सेल शीट के डेटा को ना डेटाबेस में एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, CSV का डेटा है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो वो आप उस टूल के ज़रिए ना बहुत ईजिली वो हो जाता है। तो क्लाइंट हम थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें ये सारे सवाल आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? हाँ तो वो रीसेट कर दो ना उसको, टेक्स्ट बॉक्स को पता है कैसे रीसेट करोगे, बता रहा हूँ। ये आपका फॉर्म है ना, इस एक तो इनपुट को तुमने आईडी दी हुई है ना, इस इनपुट को, इस फॉर्म को भी एक आईडी दे दो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, उस फॉर्म की आईडी लिखो डॉट रीसेट, तो वो उससे फॉर्म रीसेट हो जाएगा। डॉट रीसेट मेथड है उसका, पूरा फॉर्म गेट करोगे, डॉट रीसेट कॉल करोगे, गायब हो जाएगा जो भी लिखा हुआ। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? चलो ठीक है भाई, हमारे डेटाबेस में नहीं चलेगा, मैं आपका सवाल नहीं समझा शायद। डेटाबेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको, उस वाले को नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लाइव वेदर का डेटा आता है ना। अब किसी ने कोई सेटिंग बनाई भी, वो पूरी दुनिया से वेदर का डेटा इकट्ठा करता है, एक डेटाबेस उसने बनाया है। अगर आप भी कहीं से इकट्ठा कर सकते हैं पूरी दुनिया का वेदर का डेटा और अपने डेटाबेस में उसको लगा सकते हैं, तो आप अपना डेटाबेस यूज करोगे। हाँ नहीं, मतलब कहने का ये, आपके पास डेटा कहाँ से आएगा? अभी छोड़ दो ना वेदर ऐप को, छोड़ दो वेदर ऐप को, छोड़ दो, अभी दूसरी जो ट्रेडिशनल ऐप्स हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, एक लॉग इन साइन अप टाइप की कोई चीज़ है, बंदा लॉग इन हुआ या साइन अप हुआ तो वो कहाँ जाएगा? आपके डेटाबेस में जाएगा, सही है। बाद में जब लॉग इन करेंगे आप, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड जो भी लेते हैं आप, वो लेके डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे मैच करेंगे, हाँ इस नाम का डेटाबेस में यूज़र मौजूद है, तो ठीक है ओके, यही करेंगे ना। आमतौर पर एप्लीकेशन में यही हो रहा होता है, या कोई मिठाई की वेबसाइट है, मिठाई की दुकान की, उसमें बंदे ने आके प्रोडक्ट पर सेलेक्ट किया कि भाई ऐड टू कार्ट या परचेज, तो वो परचेजिंग कहाँ जाके सेव होगी? डेटाबेस में होगी, ताकि वो कल को वही यूज़र दोबारा आके खोले तो उसको अपने ऑर्डर्स, प्रीवियस ऑर्डर्स दिखें, तो वो प्रीवियस ऑर्डर्स कहाँ सेव है? डेटाबेस में सेव है, आपके डेटाबेस में, सही है। बाकी वेदर वाली ऐप को जी, अगर वेदर के हिसाब से सोचोगे ना, तो वो तो एक ऐसा डेटाबेस है जो पूरी दुनिया से उसने डेटा कलेक्ट करके अपने पास रखा हुआ है, तो वो डेटा अगर तुम अपने पास ला सको कर लिया, ठीक है। चलो भाई।